नमस्कार प्यारे बच्चों 21 की शाम आ चुकी है कल तो एग्जाम है <laughs> आ, कितना अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं <laughs> चलिए कमेंट्स में वो बता दीजिए कि मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं मैं दिख रहा हूँ ये बोर्ड वोर्ड दिख रहा है ये द यूजुअल। जल्दी बताओ आज हम पोइट्री करेंगे सारी पोइट्री एक खाने में चक छह पोइट्रीज है छोटी छोटी पुदु -पुदु सी। फिर ग्रामर करेंगे एंड देन वी शेल हैव डिस्कशंस कैसे डिस्कशन कमेंट सेक्शन में जितने भी डाउट्स वगैरह अभी तक के हैं आपसे रिलेटेड आपको जो भी है राइटिंग रीडिंग सेक्शन से लिटरेचर से वो आप पूछना शुरू करिए तो कमेंट्स में प्लीज बता दीजिए कैन यू ही क्लियरली डायरी एंट्री नॉट ऑडेबल यस सर स्टार्ट सर प्रणाम प्रणाम नो साउंड ब्लेसिंग दे दीजिए सर हाँ ठीक है नॉट ऑडिबल बच्चे कोई बताओ मुझे ऑडिबल हूं कि नहीं हूं प्लीज बताइए ऑडिबल हूं कि नहीं हूं सर क्वेश्चन होंगे इस सेशन में हाँ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एज यूजल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का मेरा तरीका है नहीं पर मैं थीम्स बता देता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ सकते हैं आई ऑलवेज प्रीफर कि भैया किसी को मछली पकड़ना सिखा दो रात दिन पका के खिला दो नहीं एम्पावर कर दो बताइए ऑडिबल हूं कि नहीं हूं ऑडिबल थैंक यू हनुमान जी साउंड फाइन ऑसम थैंक यू गॉड डिवोटी गॉड डिवोटी मैं तो ऐसे ही संबोधित करूं पूरा टाइम डर लग रहा है वेरी गुड मतलब सही जा रहे हो नहीं डर रहा हो तो दो प्रॉब्लम होती डर लगना चाहिए पता चलता है लाइव <laughs> बने रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोइट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताऊं एक्सट्रैक्ट बेस्ड जाने वाली चीजें एक्सट्रैक्ट बेस मतलब पोम की लाइन दी जाएंगी और फिर कार्यक्रम पूछा जाएगा ठीक है आकर तक रुक रहिए और चलिए शुरू करते हैं पोम्स माइक पास में करूं एक मिनट हाँ वगैरह करें

ना बिफोर वी बिगिन कि वी पोम्स वगैरह वो करना आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ जहां पर भी आप हम जब पढ़ रहे हैं हमारे सेशन में जहाँ पे भी नोट्स वगैरह बना रहे हैं ना वो वाला कहीं पन्ना खोल लीजिए क्योंकि आज हम लोग लिटररी डिवाइसिस को भी डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे एंड उन एरियाज के ऊपर फिर से एक बार नजर डालेंगे जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं हम पोइट्री की बात कर रहे हैं अभी ठीक है तो प्लीज़ प्लीज़ ये इंटरप्रिटेशन वाली चीजें हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड बोल के वो सिर्फ फैंसी फैंसी शब्द यूज नहीं कर रहे हैं पेपर का पैटर्न एक्चुअली चेंज हो गया है तो प्लीज उस चीज को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ रहे हैं ठीक है हनुमंत राइटिंग सेक्शन हो गया अरे उसका वीडियो ऑलरेडी है नेक्स्ट सेशन कब है नेक्स्ट सेशन कब है कल एग्जाम है तेरा देखो क्या करना हेलो मुदित चलिए <coughs> मला दास पोएट का नाम याद रखना जरूरी है प्रोज में चलो एक बार भूल गए तो कोई भी बात नहीं जबकि प्रोज में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि summary questions आएंगे तो वहां पर भी आप ऑथर का नाम लिख सकते हैं बट पोम्स में आप पोएट का नाम नहीं मिस कर सकते क्योंकि सीधा सीधा पूछ लेते हैं इस फोम ये लाइन जो दी गई है यह लाइन जो दी गई है वो कौन सी पोम्स है और उस पोम का

लिरिकल पोम है।

दिस how पोम द पोएट कमला दास टॉक्स अबाउट हाउ हर मदर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ so शी रियलाइज can एंड कैन पास know, इन द blink ऑफ एन आई जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यह बताया तो लिरिकल पोम को ऐसे अपन बीच में फंसा सकते हैं इस शब्द को तो ये स्टाइल हो गया पोम का ये हो गई पोएट लिटरी डिवाइसेस जो इसमें देखे गए हैं वो है सिमिली मेटाफर Personification, contrast, imagery and repetition. simile metaphor इमेजरी contrast imagery सिमिली repetition ये वाले जो लिटरे डिवाइस हैं इतने कॉमन हैं और हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं कि इसके बारे में हम बात करेंगे फिर भी मैं चाहूंगा कि प्लीज कमेंट सेक्शन में ना अगर तुम सिमली मेटोफर और परसोनिफिकेशन और जो भी आपके लिटरेट डिवाइसेज आ रहे हैं उनका एक एक एग्जाम्पल दे सके वेरी काइंड ऑफ यू क्यों क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों और यही कुछ चीजें हैं जो कि हम एक्चुअली यूज भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कल वाले सेशन में आपको बोला भी था ठीक है एक बार कमेंट सेक्शन पे आप डाल ले। मैंने सारा पढ़ लिया है पर कॉन्फिडेंस नहीं मेरा अंश डोंट वरी मैं आखिरी में जाने के जाते जाते जब ये अपनी क्लास खत्म हो रही होगी आज देन वी गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी सीरियस वी गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ नॉट सो सूडो मोटिवेशन बट एक्चुअल प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे टू मैक्सिमाइज योर एफर्ट्स योर इम्पैक्ट जब आप बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में और अपना एग्जाम दे रहे होंगे क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ फिर से कहूंगा दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ हाउ मच यू नो ट हैव लर्न इन द प्रीवियस अकेडमिक ईयर बट ऑल्सो हाउ वेल यू मैनेज स्ट्रेस एंड टाइम ड्यूरिंग दो थ्री इर्स डेट यू हैव तो ये याद रखिएगा प्लीज ठीक है हेलो प्रिया चलिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अभी तक की बात समझ में आई आई होप नोट्स बना रहे होंगे आज नोट नहीं बनाए तो गड़बड़ हो सकती है द पोम डज नॉट फॉलो एनी राइम और रिदम इट है पर उसमें ए बी सी डी ए बी सी डी ऐसी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता प्लॉट समरी ध्यान से सुनिए द पोम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर दैट अडहीयर्स टू इट्स लॉस एंड सेपरेशन तो पोम की थीम क्या है बढ़ती उम्र एडवांसिंग एज एंड डर जो उसके साथ जुड़ा होता है लॉस का और सेपरेशन का कई बार हमारे जहन में घर कर जाता है ना कोई डर कि अरे मैं इस व्यक्ति को कितना प्यार करता हूं ये चला गया तो और फिर साल बीतते चले जाते हैं और वो डर अलग अलग रूप लेने ले लगता है और वो डर कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप विच शेयर दैट विद दैट पर्सन इट इज अ सेंटीमेंटल अकाउंट ऑफ द मदर्स अप्रोचिंग एंड थ्रू द आईज ऑफ द डॉटर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक बहुत ही सेंटीमेंटल एक बहुत ही इमोशनल अकाउंट है एक बच्ची का एक बेटी का जो कि अपनी माँ को बड़े होते हुए देख रही है बूढ़ी होते हुए देख रही है और उसको लग रहा है कि यार ये तो शी इज नियरिंग हर एंड हाउ सैड

कमेंट सेक्शन में बताओ अभी हमने पोम शुरू नहीं करी है अब हम लाइन बाय लाइन पोएम करना शुरू करेंगे अब लाइन बाय लाइन क्यों क्योंकि एक्सट्रैक्ट आएगा एक्सट्रैक्ट आएगा वैसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे इसीलिए वेरी गुड सिमिली एंड मेटेफर बोथ आर फॉर कंपेरिजन पर दोनों में एक अंतर होता है वो क्या होता है वो बताओ तो मानू विज विस्परिंग ब्यूटिफुल करुणा ये द विंड इज जब भी कोई हम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट या फिर नॉन पर्सन ऑब्जेक्ट को एक पर्सन की क्वालिटीज देने लगते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है ऐसे बीच बीच में बात करते चले जाएंगे लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में जब वो हमारे अक्रॉस आएंगे वाइल रीडिंग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्सेलेंट करो ना हाउ टू गेट हंड्रेड इन इंग्लिश अभी थोड़ी देर पहले मेरा एक वीडियो आया है इसी चैनल पर जाके देख लो उसको तो पता चल जाएगा सत्य क्या है ना अभी तक तो की कहानी समझ में आई फटाक से मेरे को बताइए अभी अपन ने शुरू भी नहीं किया अभी हम इसके बाद लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे सो प्लीज लेट मी नो यस सत्यजीत सिमिली इज विथ लाइक और एज एंड मेटोफो में देर इज नो लाइक और एज गड दो लाइन वी कैन फील करो ना दोन हा चीज फील कर लेते हैं बट इमेजरी का रूट बढ़े इमेज तो ऐसे वर्ड्स को यूज करना जिससे हमारे दिमाग में इमेजेस क्रिएट होने लगती है वी कैन एक्चुअली विजुअलाइज यू नो वॉट इज गोइंग थ्रू द राइटर्स माइंड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग दैट पीस ऑफ लिटरेचर कंस्ट्रक्टेड बाई दैड राइटर दैट इज इमेजरी मैटर फॉर डायरेक्ट कंपेरिजन ये

अगर तुम्हारे पास ये पेज है लेटर की बात कर रहे हैं और तुमने यहां तक लिख लिया है और यहां से शुरू करने का बोल रहे हो तब बदल दो पर अदरवाइज तो लेटर फ्रेश पेज में लिखोगे तो बेहतर होता है यार देखो तुम एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले जो व्यक्ति है ना उसका काम जितना आसान बनाओगे ना सफाई से काम करके क्लियरली हाईलाइट और वो आपको बहुत हेल्प भी करेगा क्यों क्योंकि आपका काम एक बार में देखा जा सकेगा अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ चुका होगा स्टैंडा वाइज जाते हैं लेट बिगिन

सॉरी <coughs> उनके घर से वो कोची जा रहे हैं क्योंकि द डॉटर इज लीविंग उसको फ्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट के रास्ते हैं तो घर से कोची जा रहे हैं कोची के आउटस्कर्ट्स में रहता है सुबह फ्राइडे मॉर्निंग की बात है आई स माय मदर बिसाइड मी दोज ओपन माउथड देखो ये कुछ वर्ड्स हैं दोज हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड as she looked तो ये वर्ड्स अब क्वेश्चन ऐसा आता है

आ रही धीरे धीरे सडनली एंड सॉरफुल थॉट केम इन टू माइंड ऑफ द पोइटर्स और अचानक ये देख के विजुअल देख के वो बैठी हुई और उसने बाजू में पलटा और मम्मी को देखा और ऐसे देखते देखते अचानक एक ख्याल आता है बहुत सैड ख्याल शी रियलाइज दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड एंड शी इज नॉट गोइंग टू लिव वेरी लॉन्ग बट सून put that thought away and looked out at young trees स्प्रिंटिंग the merry children spilling out of द

तो ऐसा नहीं था और यहां पे हमें पता चला कि आइडेंटिफाई द इन दिस पोएट्री स्प्रिंटिंग का अपन Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. आ गया वापस बताइए आवाज आ रही है आई सो अपोलोजाइज फॉर दिस यार गर्मी बढ़ती जा रही है क्या करें <laughs> आवाज आ रही है बताइए मुझे वी शैल कंटिन्यू सॉरी हेलो हाय जसकरन हेलो करुणा आवाज awesome. तो आ रही है वंडरफुल ऑसम चलिए तो यहाँ पे अपन फैमिलियर एक आ दिल दुख गया बचपन की यादें आ गई वो बुरी बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है सी यू सून अम्मा इससे ये पता चलता है कि शी इवन दो शी इज अफ्रेड शी ड्रेड्स दैट मोमेंट व्हेन शी माइट एक्चुअली लूज हर मदर बट स्टिल वाई लिविंग शी इज होपफुल दैट द नेक्स्ट टाइम शी विजिट्स इंडिया सॉरी हर प्लेस ऑफ बर्थ हर पेरेंट्स होम

और लोग बोलेंगे तो हम बताएंगे आगे चलिए लिटरेरी डिवाइस सेकेंड स्टैंड सुनाएंगे दिया रुको सेकंड स्टैंडर्ड से बता रहे चलो ये ठीक है ये ठीक है ऑल राइट स्टैंडर्ड से फिर से बताएंगे ठीक है दो तीन बच्चों ने सेकंड स्टैंड से बोला है स्टैंड सवन में हमने बात करी थी कि हार मम्मी के साथ जा रही थी कोची से घर से कोची और एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़नी थी बाजू में देखा कार में बैठी मम्मी को वो सो रही थी मुंह खोल के और तब अलग अलग खराब खराब ख्याल लगे मम्मी तो कितनी बूढ़ी हो चुकी है भैया फिर उस ख्याल को पुट दैट थोट अवेड लुक डॉट एंड एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंड अगेन उसने बोला कि ये को थोड़ा बाजू करो और मुंडी थोड़ी सेट करो बाहर के नजारे देखें और नजारों में क्या दिखता है यहां पर हम यूज करने लगे हैं कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट कैसे यूज किया हमने हम ओल्ड एज की बात कर रहे थे करते वन में हम स्टैंडो टू पे आते आते हम लोग या यूथ की बात करने लगे हम चिल्ड्रन की बात करने लगे हम एनर्जी की बात करने लगे और यहां पे ट्रीज स्प्रिंटिंग में हमने यूज कर लिया परसोनिफिकेशन एक एक शब्द का मीनिंग होता है जब हम पोएट्री की बात करते हैं बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चिकन स्टैंडिंग अगेन यू हर। तो पोएटिस को अचानक से वो दुख हुआ उसने फिर देखा कि यार अपना चलो ये थॉट्स को हटाते हैं ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं है सो लेट इसकेप द स्प्रिंटिंग लैंडस्केप ठीक है फिर उसके बाद सिक्योरिटी चिकन वगैरह करते हैं और सिक्योरिटी चिकन करने के बाद आगे बढ़ के थोड़ा सा चलती हैं और फिर पलट के अपनी मम्मी की तरफ एक आखिरी बार देखती हैं स्टैंड थ्री और मम्मी के बाद देखती हैं तो फिर से वही चीज़ कि अरे कितनी वीक लग रही हैं कितनी पेल लग रही हैं तो ओल्ड एज के फिर से वही ख्याल आने लगे एज अ लेट विंटर्स मून एज अ लेट विंटर्स मून एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेज है यहाँ पे हम फिर से ओल्ड एज को दर्शा रहे हैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से एंड फेल्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर तो उनके चाइल्ड हुड का फियर क्या है लूजिंग हर पेरेंट्स और यहाँ पे वो चाइल्ड हुड फियर फिर से वापस जहन में आ जाता है बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सू नमा ये सारे ख्याल मेरे जहन से चल रहे थे बट मैंने सिर्फ एक ही चीज़ कही सी यू सून अम्मा ये एक लाइन है जो कि होप के बारे में बात करती है क्यों क्योंकि इवन दो ये सारे ख्याल आ रहे हैं कि मम्मी की एज हो रही है प्रॉबली शी वोंट लिव फॉर लॉन्ग बट स्टिल वाइल शी इज गोइंग शी इज वॉन्ट्स टू गो ऑन अ पॉजिटिव नोट कि अगली बार जब आऊंगी ना तब भी मैं आपसे मिलूंगी आपको पक्का मिलेंगे एंड ऑल आई डिड वो स्माइल स्माइल एंड स्माइल तो तीन बार स्माइल को यूज़ करा तो जैसे कि हमें यहाँ पे बताया गया क्या यूज किया गया है रिपीटन किसने बताया था हमें रिपीटिशन किसी ने बताया था किसी ने अच्छा नाम हमारी पूरी पोम यहां पे स्टिल शी वाज स्टेरिंग एट अ मदर इन डिस्टेंस वगैरह 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 स्टिलिंग एट यू सून अम्मा बिकॉज शी शी वांट्स टू लिव हर बिकॉज शी टाइम शी विजिट्स हर पेरेंट्स हाउस नाउ डिवाइसेस कौन कौन से यूज यस एज लेट विंटर मून अ लेट विंटर मून इज अ सिमिली पता कैसे चलता है का यूज़ किया गया है कंपेरिजन एस्टैब्लिश करने के लिए सिमिली द कलर ऑफ द मदर्स फेस हैज बिन कंपेयर टू दैट ऑफ अस हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अस तो ये वाली लाइन हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अब्स तो यहां पर

ठीक है तो इमेजरी में ट्रीज प्रिंटिंग मतलब वो वर्ड्स उस तरीके का चॉइस ऑफ वर्ड्स है कि हम सामने वाले रीडर के जहन में वो सारे इमेजेस क्रिएट कर पा रहे हैं तो उसे इमेजरी बोलते हैं जो नाम है वो काम है इमेजरी इमेज रिपीटेटिव यूज ऑफ वर्ड्स लुक डेंट स्माइल

ये सिमली है अगर सिम्बली का अगर कंपैरिजन हो रहा है बट लाइक और एज यूज नहीं किया गया है तो वो मेटाफर है तो ये दो दो अपन लोगों ने दो लिटरेरी डिवाइसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है सीखा तीसरा इमेजरी वो वर्ड्स जो कि इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक मूविंग पिक्चर इन योर माइंड समझो एक मूवी बना रहा है तुम्हारा दिमाग बेस्ड ऑन द पीस ऑफ लिटरेचर यू आर रीडिंग ठीक है फॉर एग्जाम्पल द नाइट वॉज डार्क I had all I had just entered my home, and all of a sudden, in the corner, I see there was a, a blue light twinkling, and I had no idea because no one was at home. No one was at home. I slowly took one step in that direction, and suddenly I heard a sound coming from the kitchen. अब मैं जब ये तुम्हें बोल रहा था एग्जाम्पल दे रहा था क्या तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी इमेज क्रिएट हो रहा था कि क्या हो रहा है हाँ या ना बताओ पहले मुझे कमेंट सेक्शन में पहले ये बताओ जब मैंने एग्जाम्पल दिया तो दिमाग में कोई भी इमेज क्रिएट हो रही थी कि भैया अच्छा ये बल दिखा अंधेरा रूम फिर मैं दो कदम आगे बढ़ाया वगैरह 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 हाँ या ना बोल के फटाक से कमेंट्स में बताओ फिर मैं बताऊंगा इमेजरी क्या होती है तो मतलब मैंने क्या किया बच्चों सिर्फ वर्ड्स यूज किए आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट करने के लिए तो स्प्रिंटिंग ट्रीज बोलते से ही लगता है कि भागते हुए पेड़ द चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट मतलब होना मतलब होना ऐसे फैलना होता है तो घरों से बहुत सारे झुंड में बच्चे भाग भाग के निकल रहे हैं तो ये सब इमेजेस बन रही तो इमेजरी रिपीटेशन बहुत सिंपल है बच्चों स्माइल 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 अगर कोई वर्ड दो या तीन बार आ गया रिपीट हो गया तो उसको तो रिपीटेशन है वो रिपीटेशन और क्या है फिकेशन परिफिकेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एग्जाम्पल आई हैवे वेरी लोनली लाइफ यूजली स्मार्ट बोर्ड आई कम विद इट इज नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट आई एक्चुअली फाइंड माई पर्पज इन लाइफ किसके बारे में बात कर रहा था मैंने ये वाला एग्जाम्पल में हलो जस्ट किरण थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अभी मैंने जो बोला मैं किसके बारे में बात कर रहा था बताइए मुझे फटाक से बताइए और मैं फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा था ऐसे से करके। पर मैं बात किसके बारे में कर रहा था बताओ आई एम वॉचिंग दिस फोर मशीन है क्या मैं तो अभी आया हूं बताइए मुझे अभी जो एग्जाम्पल दिया मैंने किसके बारे में बात कर रहा था मैं जैसे ही तुमने इसका आंसर दिया तुम्हें तो पर्सोनिफिकेशन समझ में आ गया ठीक है अगर तुम्हें समझ में आया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा था तुम्हें यह समझ में आ जाएगा मैंने परसोनिफिकेशन किया है हेलो पेन exactly. तो पेन की कहानी थी कि यार मेरा जो लाइफ का पर्पस है वैसे तो मुझे कोई भाव नहीं देता जब तक स्मार्ट बोर्ड जिसके साथ मैं आता हूं उस पर कोई पढ़ाता है नहीं है पर जैसे कोई पढ़ाने आता है देन आई फाउंड आई फाइंड द पर्पस ऑफ माय लाइफ तो एक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एक ऐसी कोई चीज को जब हम पर्सन की क्वालिटीज देने लगते हैं या पर्सन की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है भैया और पूरी पोम ही कॉन्ट्रास्ट में है यूथ एंड ओल्ड एज के बारे में समझ में आया समझ में आया फिर कीपिंग क्वाइट प्लीज यू डोंट कीप क्वाइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो स्माइलिंग नेचर मैं सिर्फ एक पोम हुई है मई मदर एट सिक्सटी सिक्स और अभी पांच पोम्स बाकी है तो बने रहिए वो वाला पोर्शन बाद में देख लीजिएगा वेरी गुड अमृता थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई पेन की बात कर रहा थे। सही बोला यस यस अंकिता पेन करते वेरी गुड समझ में आई अभी तक कहानी एक पोम निपट गई लग रहा है क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं बता चुका हूं फिर से बताता हूं द रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉटर एंड मदर या फिर पेरेंट एंड चाइल्ड के ऊपर आएगा दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक ओल्ड एज में किस तरीके से फील कर जब अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में देख के एक चाइल्ड एक हाँ एक चाइल्ड एक सन या एक डॉटर किस तरीके से फील करता है इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है भैया ये पंक्तियां दी है इनमें से बताओ क्या मीनिंग और किसने लिखी है ये पोम कमला दास जी ने ये कुछ बेयर मिनिमम बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं हिंदी था कैसे गया चलो आगे बढ़ते हैं कीपिंग क्वाइट पोएट पाब्लो नेरुडा पाब्लो नेरुडा पोएट का नाम पाब्लो नेरुडा स्टाइल कौन सा है फ्री वर्स फ्री वर्स है फिर से राइम वाइम स्केल वेल नहीं दिखने वाली इसमें फ्री वर्ड्स ठीक है लिटरेरी डिवाइसेस मेटफर रिपिटेशन सिंबोलिज्म एनजाममेंट एंड एलिटरेशन मेटफर सिंबॉलिज्मेशन तो बेसिकली यहां पे हमारे पास तीन नए तीन नए किस्म के लिटरेट डिवाइसेज आए हैं गुड बॉय बॉय hmm. गुड बॉय सर बॉक्स किसमें किसमें बनाते हैं बॉक्स किसमें नोटिस में बनाते हैं इन्विटेशन में? में बनाते हैं बॉक्स इन्विटेशन वाला जो कि कार्ड की तरह बनता है ठीक है पोम सॉरी पीस फ्रेटर्निटी एंड प्रोस्पेरिटी तो पोम की तीन थीम्स हैं पीस फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा प्रोस्पेरिटी मतलब प्रोग्रेस करना ठीक है भैया ये तीन की हैं इस पोम को समझने के लिए This poem is from 1950s, a time in the world had suffered a dead war. तो 1950s की बात है, अभी-अभी वर्ल्ड वार तू खत्म हुई थी, पांची साल हुए थे लगभग. The poet too has experienced the repercussions of war, and his appeal for peace shows that he is fed up seeing humans kill each other over power and money. In this poem, the poet asks us to keep quiet for a while and stop doing the worldly things, and instead think about ourselves, our nature.

सिंबॉलिकली you know, कुछ बता रहा है सिंबॉलिकली का क्या मतलब है ऑल द वेरी बेस्ट टुमारो बिना बोले भी अगर मैं ऐसे करूं तो क्या मतलब है इस अप का बताओ मुझे लेटर में नहीं लेटर में नहीं इनविटेशन जो वन टू ऑल होता है ना जो मासेस को भेजा जाता है उस वाले इनविटेशन में बनता है बस और नोटिस में बनता डिब्बा लेटर फॉर्मेट में लेटर का फॉर्मेट है जब हम चीफ गेस्ट वगैरह को भेज रहे हैं तो वन टू वन को भेज, भेज तो लिखेगा सिंबल है करुणा वेरी गुड सिंबल है तो ये हो गया सिंबोलिज्म तो ये पूरी तो जब कीपिंग क्वाइट की बात कर रहे हैं तो टाइटल जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग भी रखता है कि ये जो जो जनरल पचड़े हैं ना जीवन के इससे थोड़ा सा शांत हो जाओ टेक अ स्टेप बैक अब लाइन बाय लाइन हमारा पेपर अच्छा हो जाए पूरा प्रश्न क्या है मुदत इन्विटेशन में लेटर होता है इन्विटेशन के भी टाइप्स होते हैं कंफ्यूज नहीं करो सबको ठीक है गुड अब Line by line. Now we will count to 12 and we will keep it, keep all still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for once again and not move our arms so much. Now we will count to 12 and we will all keep still. ये घड़ी गलती से पहली बार नहीं निकाली मैंने जानबूझ के निकाली है नाउ यू विल वी विल to टू In इन द फर्स्ट एंड twelve को मैंने मार्क कर दिया क्योंकि ट्वेल्व का क्वेश्चन आ सकता है कि बारह क्यों?

तो बारह घंटे शायद बारह घंटे हो सकता है दिन बता सकता है या फिर साल बारह महीने जो होते हैं वो बताया जा सकता है ठीक है तो ट्वेल्व का सिग्निफिकेंस ये है ठीक है क्लॉक के हैंड हो सकते हैं या मंथ्स हो सकते हैं याद रखना बहुत जरूरी है सिंबोलिज्म बोल के छोड़ नहीं सकते क्या सिंबलाइज करता है ये बताना पड़ेगा वॉट एवर द मीनिंग बी द पोएट इज आस्किंग अस टू कीप साइलेंट वो की शांत रहो एट दिस मोमेंट वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट्स बैरियर एंड डिवाइड्स अस

लकी वर्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड अपन अज्यूम नहीं करना चाहिए इस तरीके से बट पोम में बाकी सही आंसर लगा तो लकी बोल सकते हो तो लकी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वॉर के बाद है ना तो लक मत बोलो यही है ये यह वर्ड्स का गुड वेरी गुड स्माइलिंग नेचर गुड प्रिंस यादव नाउ तो बोलते लैंग्वेज वगैरह यूज मत करो शांत रहो बात मत करो एंड इंस्टेड कीप साइलेंस विच इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज इन दस यूनाइटिंग फैक्टर बट साइलेंस इज दैट यूनिवर्सल लैंग्वेज कभी बोलते ना स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज लव इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसे बोलते रहते हैं बहुत सारे लोग रोमांटिक जो फील करते हैं यहां पे बोल रहा है साइलेंस इज द रोमांटिक लैंग्वेज सॉरी साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज इन द नेक्स्ट लाइन द पोर्ट अगेन सेज लेट लेटे स्टॉप फॉर अ सेकंड एंड नॉट मूव आर आर्म्स

बस रुकने बोल रहा हूँ बंद करने नहीं बोल रहा हूँ मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना थोड़ी देर के लिए बंद रुक जाइए इसको करना अभी के लिए थोड़ी देर के लिए सब चीजों को पॉज कर दीजिए इससे पता चलता है कि पोर्ट को इससे कोई परेशानी नहीं है जनरली पर अभी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू एरा में उसको बोलता है कि हमको नहीं जम रहा है इट वुड बी एन एक्सॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट वी वुड ऑल बी टूगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट इज हर्ट हैंड्स तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों के जीवन में इतना भागादौड़ी में व्यस्त रहते हैं कि कभी कभी हम रुक के सोचने के लिए समय नहीं मिलता कि वॉट आर वी डूंगी डूइंग इट एंड वू वी फील और थिंक अबाउट इट ऐसे करके वो ब्रह्मांड के जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको आंसर करने के लिए

और एंड रिमेन साइलेंट रिमेन साइलेंट मतलब वी इन द स्टेट ऑफ बीइंग माइंडफुल या फिर इन द स्टेट ऑफ बीइंग डूइंग डूइंग नथिंग तब क्या होगा इट विल बी अ स्ट्रेंज मोमेंट तो बहुत ही अजीब सा स्ट्रेंज सा मोमेंट होगा एज़ देयर विल बी नो रश और नो मशीनस तो कोई मशीन नहीं काम कर रही होगी कोई भागा दौड़ी नहीं हो रही होगी ठीक है ना जो बोलते हैं ना कि मुंबई जैसी नगरी मेट्रोपॉलिटन्स वगैरह होते हैं कभी सोती नहीं तो वो वाली जो जो हसल बसल वाला जो माहौल है वो रश है जो लाइफ का वो सारा थोड़ी देर के लिए पॉज फिशरमैन वुड एनी वेल्स तो यहाँ पे ये भी बात कर रहे हैं एग्जाम्पल दे रहे बेसिकली अब कि कोई भी फिशरमैन वेल्स को अब हार्म नहीं करेगा हंट नहीं करेगा और फाइनली जो व्यक्ति वहाँ पर क्या जाता है सी से सॉल्ट निकालता है फाइनली उसे मौका मिलेगा अपने हाथों के ऊपर जो कट्स आ गए हैं जो चोटें लग गई है काम करते करते उसे देखने का तो यहाँ पे ये यह बोल रहे हैं कि अमीर से अमीर व्यक्ति गरीब से गरीब व्यक्ति को थोड़ा सा दो क्षण का मौन रखना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए वेयर दे हैव रीच्ड इन लाइफ और अभी उनकी स्थिति क्या है खुश है तो क्यों खुश है गम है तो क्यों गम है यहाँ पे प्राइमरली हम गमों की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? And the man gathering salt would look at his hurt hands. The poet further says, during that uh, sorry, huh, in addition, the person who gathers salt at seacoast would stop doing his work and instead look at his hands, which are hurt and wounded because of excessive work. During the stillness, all of us would wonder why we are doing anything It's a very important question. Why do we do whatever we do?

those who prepare green wars wars with gas wars with fire victory with no survivors would put on clean clothes and walk with their brothers in shade doing nothing what i want should not be confused with total inactivity life is what it is about i want no truck to with death truck with death In this stanza the poet talks about war. According to him, all people who are prepare who prepare green wars, green wars का मतलब environment को हानि पहुंचाने वाले काम, cutting down of trees, deforestation वगैरह हो गया जिसके लिए soil erosion हो जाती है। वो सारी social studies और science वाली चीजें, wars with gases, pollution, air pollution, Delhi वालों सुनते रहो pollution, environment या फिर industries and factories वाला emission of air, uh, sorry emission of smoke.

वेपन से हो रही है गन से हो रही है गोला बारूद से हो रही है वो वाली वॉर हो या कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज वाली वॉर हो या फिर एयर पोल्यूशन वाली वॉर हो किसी भी प्रकार की वॉर थोड़ी देर रुक जाओ या अमीर गरीब के बीच की, की वॉर हो ठीक है और ये सब छोड़ के बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहन के एकदम सफाई करके यहाँ पे सफाई का भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे साफ कपड़े का भी एक सिंबॉलिक मीनिंग है यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि यू वेयर न्यू क्लोथ दे आर टेलिंग यू वेयर अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू यू वेयर अ न्यू परसेप्शन यू ट्राई टू लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट ये जो गलतियां अभी तक होती आ रही थी ये फिर से ना हो अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट

Oh, stanza four. If we were not so single minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. बट इन दिस पोइट्स इज दट इफ यूर नॉट सो सिंगल माइंडेड दैट इज सेल्फिज ग्रीडी एंड मटीरियलिस्टिक हम इतने जिद्दी और ढीट और स्टबल नहीं होते ना इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते ना अबाउट कीपिंग और लाइव जूमिंग कि चलते रहो चलते रहो लोगों को रुकने से डर लगता है मुझे भी रुकने से डर लगता है कि लगता है कि यार मेरे को इतनी सारी चीज़ों को अचीव करना है मैं लेट तो नहीं हो गया आज का जीवन भी ऐसे चल चुका है कि इतना सारा हमें क्या बोलते हैं इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन की कभी कोई आदत पड़ चुकी है ना कि अभी मिल जाए अभी मिल जाए इसके चलते है, हैरान परेशान हो चुके भागते भागते ये पोएट्स आप पहले ही समझ चुके थे कि अच्छा न साहब एंड कीप साइलेंस फॉर सम टाइम इट विल डेफिनेटली दैट इज टेक अवे द सैडनेस ऑफ ऑफ नेवर एंडिंग एंड थ्रेटनिंग विद डेथ ये पोम को ना तुम सिर्फ मेडिटेशन से डायरेक्टली रिलेट कर लो मेडिटेशन में जो कोई भी करता होगा ना आपके पेरेंट्स वगैरह आप में से कोई करता होगा तो बहुत अच्छी बात है तो उसे पता होगा कि वो मेडिटेशन का जो समय होता है ना वहाँ पे एकदम स्टिलनेस और शांति होती है

ये चीज़ों को कैप्चर करने की होड़ में में भी है देख रहे हो किस तरीके से सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ तो बहुत इंटरेस्टिंग है सारी चीजें तो एक जैसे एक साथ पढ़ते हैं इसको मतलब एक साथ समझना चाहिए बर्ड्स आई व्यू के साथ तो यहाँ पे भी वही बात कर करे वो ग्रीड की बात कर रहे हैं वो मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने की बात कर रहे हैं सेल्फिश नेचर की बात कर रहे हैं सब छोड़ने का बिकॉज इट नेवर अलाउज अस टू अंडरस्टैंड ट्रू सोल अवर ऑलवेज वॉन्ट पीस एंड फ्रेटर्निटी क्योंकि ये बाजू करेंगे तो पीस एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा ब्रदरहुड और शांति का जो स्वभाव है जो हमें नेचुरली हमें जो पसंद है उसको फाइनली उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे द पोएट बिलीव दैट इफ वी कीप साइलेंस फॉर अ मोमेंट वी विल बी एबल टू क्योर आर सैडनेस पोएट बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि अगर मैंने साइलेंस थोड़ी देर रख लिया ना तो हमारा जो

बिकॉज नेचर इलो एंड एट वन इंस्टेंस इट मे लुक डेड तो ऐसा होता है ना कि ये सीजन आते हैं तो पतझड़ में लगता है कि सब कुछ एकदम मरा मरा सा है ऑटम सीजन वगैरह में और फिर आते आते समय कब बीत जाता है समझ नहीं आता तीन चार महीने बाद फिर स्प्रिंग आ जाता है सब कुछ खिला खिला हो जाता है तब बोलते हैं कि वायर कुछ खिला खिला है तो वह स्लो और ग्रेजुअल चेंज आता है और ये अर्थ से हम सीख सकते हैं कोई भी अच्छी सस्टेनेबल चीज सक्सेस हो हैप्पीनेस हो वो सस्टेनेबल तब बनती है जब हम ये समझ लेते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस यू कैन नॉट अचीव इट एज अ थिंग और अ पॉइंट इन टाइम ठीक है यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क अपॉन इट टू फील दैट वे टू कीप इट विध यू हाउ एवर विथ पेशेंस एंडिवियरेंस इट प्रूव्स टू बी अलाइव अग्जाम्पल ट्रीज ग्रो स्लोली दैट दे मे लुक डेड बट विथ टाइम दे ग्रो यूज कितना खूबसूरत एग्जाम्पल है और ये अपन भी कोट कर सकते हैं कि लगता नहीं है कि पेड़ को देख देख के कि बड़ा हो रहा है रोज रोज अपन बोलते ना कि बड़ा हुआ क्या बड़ा हुआ कभी कभी आदत होती है कि मोटा लग रहा हूँ पतला लग रहा हूँ किसी के साथ रहते हैं वो, वो प्लीज तो वो वाला चीज है एवरी डे स्क्रूटनी से किसी का भला नहीं हुआ क्योंकि समझ में नहीं आता बट कुछ समय बात पता चलते वाह यार बॉडी बना ली छह पैक एप्स बारह पैक एप एक नंबर इन द पोइट रिपीट लाइन आफ्टर सेवरीथिंग सेट इज टाइम फॉर एक्शन

क्या हैं भाई शेयर कर दो वीडियो को हाँ ठीक है शेयर कर दो अच्छा अच्छा बहुत सारी बातें करो तुम लोग मैं थोड़ा पोएट्री में रम गया इसलिए मेरे को मेरे को टीम को बताना पड़ता है बार-बार कि चैट देखता रहो यार पागल आदमी ये लाइव क्लास है और वैसे वाली लाइव नहीं है यहां पे एक्चुअली क्लास है एनीवे 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 इन थॉट्स को बाजू करके लेट अस फोकस एलिटोरेशन जब दो साउंड्स यहाँ पे मैं चाहू तो मैं लेटर बोल सकता हूं कि एस, एस से शुरू हो रहा है वो भी सही होगा यूजुअली 90 ऑफ द केसेस में फिर भी साउंड पे ध्यान दो सडन स्ट्रेंजनेस ठीक है तो यहाँ ऐसे जब वर्ड आते हैं स्टॉप फॉर वन सेकेंड तो यहां पे भी फॉर वन सेकेंड एक साथ नहीं है बट स्टॉप फॉर वन सेकेंड इसको पूरा हिज हर्ट हैंड ऑब्वियस तरीके से पता अपन को क्लीन क्लोथ ठीक है ये सारे एलिटरेशन है मतलब बैक टू बैक अगर दो वर्ड्स में दो एडजेंट वर्ड्स में अगर पहले वाले लेटर का साउंड सेम है और यूजुअली वो लेटर भी सेम होता है यूजुअली मैं बार बार बोल रहा हूं डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कभी मूड हुआ तुम्हारा तो राइटर वाइटर बनना हुआ तो अभी इस ही थी काफी है ठीक तो है फिर से okay, without rush, without तो एलिटरेशन है

कंटिन्यू हो रही होती है स्टैंडा बदल गया पर लाइन थीम बात जज्बात कुछ नहीं बदला कंटिन्यू होता चला गया तो उसको एन जैमेंट बोलते हैं ये पढ़ के समझूंगा अभी तक की कहानी कैसी है सर गिव ब्लेसिंग्स दैट टुमारो आई कैन टॉप द पेपर हाँ ड्रिंक्स ब्रेक लेता हूँ ब्लेसिंग ब्लेसिंग यही है मेरी ब्लेसिंग जो पढ़ाई कर रहे हैं अपन और क्या ब्लेसिंग दूंगा ऐसे करके ठीक है पानी पी के आ रहा हूं तुम्हें पानी पियो चलो अच्छा स्क्रीन काली होगी होगी पर यह आकाशवाणी है थोड़ी देर में क्लास रिज्यूम होगी तो प्लीज़ बने रहिएगा पानी पीजिए थोड़ा न, क्या बोलते हैं चाय नाश्ता कीजिए और नोट्स बनाते रहिए ओवर एंड आउट थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की बात करेंगे आ गया मैं मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मैं दिखाई दे रहा हूं अंधेरा चला गया तमराज किल में जा चुका है शक्तिमान सामने आ चुका है ये मेरे बचपन के कार्टून आई डोंट नो इफ यू नो इट नॉट अ थिंग ऑफ ब्यूटी आवाज आ रही है देख रहा हूं मैं शुरू करेंसुम करो ना थैंक यू सो मच सॉरी जॉन कीट्स भैया इनका नाम नहीं भूलना नहीं तो इंग्लिश आपको भूल जाएगी ये बहुत बड़े आदमी हैं एक नंबर बहुत सारी चीजें लिख के गए हैं हम जैसे को बहुत परेशान किया है आप तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं बारहवीं में मैंने hmm. तो कॉलेज में तीन साल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है सोचिए लिटरेचर में थे ये जॉन कीट साहब बहुत बहुत ज्यादा परेशान किया है और बहुत कुछ सिखाया भी है हाँ, Fire Frost. Hello, welcome Fire Frost. 66 पहली पोम थी यार अब हम तीसरी पोम पे आ चुके हैं सॉरी ऑफ पब्लिकेशन तो जॉन कीट्स का नाम है पोम्स का नाम याद रखना है जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फिर से बता दिया जाए ईयर ऑफ पब्लिकेशन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स पार्ट ऑफ पोम एंड्रीमियन एंड्रीमियन बहुत इंपॉर्टेंट है तो जॉन कीट्स की ये वाली पोम इज अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बाय द नेम ऑफ एंडमियन ई एन डी वाई एम आई ओ एन अ पोएटिक रोमांस यह है पूरा नाम मैं बार बार बता रहा हूं पोम्स में बिल्कुल भी गोची नहीं देना है अपन को 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 ऐसे फैक्ट्स फैक्ट्स द रीजन इज वेरी सिंपल क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे कोई भी लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करने के लिए जब पोएट्री की बात करती है क्योंकि पोएट्री इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन तो खुद के ख्याल होना भी जरूरी है साथ साथ ऐसे फैक्ट्स लिख दोगे ना तो इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी भी ढील हम छोड़ दें कोई बात नहीं पर ये फैक्ट्स आपको डेफिनेटली एज देंगे क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो सारे बच्चे नहीं लिखते ठीक है तो एंड डी वाई एम आईओ एन पोएटिक रोमांस किताब थी उसका पार्ट थी ये वाली पोम। डिवाइसेस यूजुअली कौन से दिखेंगे, हमें? दिखेंगे और अब हमको ये चारों पता, हम चारो पता है इसे आइडेंटिफाई तुम लोग करोगे कमेंट सेक्शन में एक बार राइमिंग स्कीम देखते हैं ए ए सी ठीक है ये, है. ये भी आइडेंटिफाई करेंगे समरी <coughs>

चैरिश करता है पसंद करता है ठीक है क्यों क्योंकि वो एक एटर्नल और एवरलास्टिंग जॉय देता है एटर्नल मतलब एवरलास्टिंग कभी खत्म ना होने वाला और एकदम मतलब हेवनली जॉय देता है हमको इसीलिए हम सब कुछ सुंदर चीजें पसंद है पोम शुरू करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस and asleep full of sweet dreams and health and quiet breathing forever never keep sleep a a b b यहां पे ब्रीदिंग लिखा है अपन इसको देखते हैं अभी अगली लाइन के हिसाब से कहा क्या जा रहा है कवि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि द पोइट बिलीव्स इन द फैक्ट दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर एंड नेवर फेड्स अवे खूबसूरती हमेशा के लिए रहती है कभी भी वो मुरझाती नहीं है इट नेवर ऑफ विद द पासिंग ऑफ टाइम रादर इट एंड एंड मोर मोर तो यहां पे हमको ये समझना पड़ेगा ये सुपरफिशियल या फिर सिर्फ ऊपरी खूबसूरती की बात नहीं कर रहे हैं ये ये शायद चरित्र की खूबसूरती की बात कर रहे हैं ये नेचर की खूबसूरती की बात कर रहे हैं तो इन्हें ये देखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की खूबसूरती तो फेड आउट फेड हो जाती है समय के साथ ही ब्यूटी प्लेस दैट अस

पिछली लाइन खत्म हुई थी क्वाइट ब्रीथिंग पे देयर फॉर ऑन एवरी मोरू वी आर रीथिंग यहां पे सी यहां पे सी एस्टैब्लिश्ड ए बी बी सी सी ठीक है क्या हो रहा है अच्छा देअर फॉर इन एवरी मॉरो वी आर रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंडस टू दर्थ Spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of gloomy days, of all unhealthy and over darkened ways, made for us searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Take okay. care. Earth, dearth, days, ways, all pall. A A B B C C. See, ke baat, ferze A A B B C C. Every day beauty flies are हाँ, so, hard. Uh, uh, every day beauty flies are hard to cherish each and every moment and builds a desire to forget the gloomy days. And even if we are surrounded by melancholy things and bad people, तो ये बोल रहे हैं कि जब भी मेलंकली चीज़ मतलब एक्सट्रीम सदनेस की चीजों से हम घिरे होते हैं और खराब लोगों से टॉक्सिक लोगों से घिरे होते हैं तब भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमें रिस्पाइट दे सकती है हमें थोड़े समय का चैन सुकून दे सकती है हमारे माइंड को प्यर कर सकती है अकॉर्डिंग टू पोएट द रीजन बिहाइंड सैडनेस एंड क्रूअल पीपल इज नेगेटिविटी ऑल अराउंड तो ये ग्लूमी डेज ओवर डार्क इन वेज अनहेल्दी ठीक है ये सारे वर्ड्स नेगेटिव बताते हैं डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस inhuman डर्थ मतलब inhumanity या humanity की कमी होना of noble natures of gloomy days तो ये सारी negativity इसलिए होती है क्योंकि negativity लोगों के सोचने और करने से आती है और इसलिए नेगेटिव रह जाते हैं और उसको कैंसिल आउट क्या करेगा things of beauty and to counter these we need to e we need to enjoy each and every moment of our life because these beautiful things bring positivity to you choti choti jo cheeze hoti hain khoobsurti hoti hai nature ki relationships ki jo bhi hota hai in pe dhyan dena zaruri hai तो इसलिए नेगेटिविटी और सैडनेस ज्यादा होती है मौका मिलेगा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेल्थ रिपोर्ट की बात करेंगे मेंटल हेल्थ वगैरह पे अभी नहीं जिंदगी में नहीं देखे हाय नॉट ऑडिबल नॉट ऑडिबल क्या बोल रहे हैं यार बता से में। Sir, what are you studying? What am I studying? Life. I <laughs> philosophical. Such the sun, the moon, trees tall, old, and young sprouting a shady boon for simple sheep and such a da such a daffodils with the green world they live in and the clear rills that for themselves a cooling covert make gains the hot season, the mid forest break. The the poet here explains that beauty is all around us in earthly things. things. We just need the vision to cherish those पोएटर एक्सप्लेन दट कितनी सुंदर सुंदर डेफुल खूबसूरत फूल हा हा हा। हर जगह सुंदरता ही सुंदरता है आके खोलो देखेगा ऐसा बोल रहे हैं सिंपल शब्दों में दीज आर gifts like लाइक सन मून ट्रीज एक्सेट्रा प्रोवाइडिंग अस shade, ब्यूटी एन कूलनेस एन आर कंसिडर्ड अ बून फॉर ह्यूमैनिटी ये एक बहुत बड़ा बून है एक बहुत बड़ा वरदान है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए दीज आर ब्लेसिंग्स दैट वी नीड टू चेरिश एवरी मोमेंट टू कीप अवे फ्रॉम द नेगेटिव वाइब्स तो बेसिकली यहां पर भी बोला जा रहा है प्लीज स्टे इन द मोमेंट बी इन द प्रेजेंट इंटरक्ट विथ पॉजिटिव पीपल सराउंडल्फ विद पॉजिटिव थिंग्स अप्रिशिएट नेचर एंड दिस वे एंड ओनली दिस वे You will be pulled out of the gloom and dreary places that you be, usually find yourselves, which encompass you, envelop you in sadness. Rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the tombs, we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring on to us from the heaven's brink. द पोइट कैरीज फॉरवर्ड इज आइडिया ऑफ गिफ्ट तो अभी नेचर की गिफ्ट की बात की जा रही है अभी तक ठीक है नेचर की गिफ्ट की बात करी थी स्टैंड थ्री फोर में भी टू में उसकी भूमिका बनाई गई थी और उसी बात बात को की की जो बात थी नेचर की गिफ्ट की, उसको फोर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है <laughs> क्या हो रहा है क्या हो रहा है ऑल्सो स्पीक इन हिंदी अभी मैं हिंदी में अच्छा ठीक है हर्ष सॉरी सर मैं कैरी हो कैरी हो गया क्या बोलते कैरी कैरी कैरिड अवे हूँ

जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मॉडर्न मार्डर्न को एक्सेप्ट किया एक कंट्री के लिए नेशन के लिए ह्यूमैनिटी के लिए ठीक है द माइटी डेड यहाँ पे हमको वर्ड बताता है दीज ब्यूटिफुल थिंग्स आर लाइक नेक्टर नेक्टर का मतलब होता है अमृत विच आर इमोर्टल जो इमोर्टल अमृत पीने से मॉडल होते हैं उस बात को बोला जा रहा है अच्छा अच्छा मेरे को नहीं मैं रहूँ ना ठीक है थैंक यू फ्रेंड्स

सॉरी फिर से मैंने जस्टिफाई दबाया हुआ था तो ऐसा हो गया बट है ठीक है तो एक बहुत ही सुंदर सा आप मनी प्लांट जैसा समझ लो मतलब एक क्रीपर जिसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल वगैरह आते हैं जो कि धरती के अंदर जाके समा जाता है तो इमेजरी क्रिएट करिए ठीक है

एज लाइक like तो है नहीं पर एक और तरीके का मेटाफर है अ मेटर बैंड मतलब हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं किसी चीज के बारे में ठीक है द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ अर लाइफ बाइंड अस अस टू टू अर्थ अर्थ तो बाइंड क्या करता है ब्यूटिफुल थिंग्स इमेजरी फिर से एक और एग्जाम्पल इमेजरी का क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट अब इमेजरी का मीनिंग समझो तुम सारे पांच सेंसेस होते हैं ना उनमें से ज्यादातर सेंसेस के ऊपर बात करते हैं दिखना स्मेल करना यहां पे स्मेल की बात करी रोजेस की दिखने की बात करी ट्रीज और शेड वगैरह की शेड की एक और बात करी हाउ इट माइट फील यू नो कूल कूल शेड कूल शेड कैसे फील होगा उसकी बात करी तो सेंसेस को इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है दैट इज इमेजरी अ रोड साइड स्टैंड अभी तक तो कहानी सही है हॉट्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हॉट्स क्वेश्चन इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं मैं यहां पे ऐसे यह बता देता हूं आपको ठीक है कहानी किस बारे में थी हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस की बात की जा रही है अब यहां पे पोएट्री को प्रोज से अलग करने का रीजन मैंने कल बताया था क्योंकि प्रोज में तो डायरेक्टली बताया जाता है कि भैया क्या पूछा गया है चैप्टर में से कुछ चीजें याद है ने लिख दी पर पोएट्री में इज बार बार कह रहा हूँ रीडिंग बिटवीन द लाइंस है सो ऑलरेडी यू आर रिक्वायर्ड टू थिंक ऑलरेडीटिवली ऑन योर ओन तो अब इस वाले फॉर एग्जांपल इस वाले पोम से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी डिस्कस करें अगर बात तो कहानी है खूबसूरती के ऊपर ध्यान देने की बट सो दैट

हाँ हाँ ऑडियो प्रॉब्लम सॉरी सॉरी सॉर्ट आउट कर दी सॉर्ट आउट कर दी प्लीज एक बार मेरे को फिर से फीडबैक दे दीजिए अभी ऑडियो आ रहा है कि नहीं बहुत सारे वायर वायर लटक रहे हैं मेरे अंदर ताकि ऑडियो प्रॉब्लम ना आया फिर से बैटरी से जुड़ चुका हूँ मैं मैं ही बैटरी से जुड़ चुका हूँ आवाज आ रही है बच्चों सॉरी रे What is वट इज दिलेबस ऑफ the दिले syllabus of English? <laughs> the silly, the, uh, of English मेरे को नहीं पता हो गया ठीक है चलो तो पोएट्री किस बारे में है खूबसूरत चीजों के ऊपर फोकस करना यहां पे बोलना क्या चाह रहा है Keats कि भैया नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आना है तो नेचर के गिफ्ट्स के ऊपर ध्यान दो अच्छे लोगों के ऊपर ध्यान दो इतनी बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है व्हाई डज द पोएट वांट ह्यूमैनिटी टू फोकस ऑन द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ राइट या फिर वॉट डज द पोएट कंसिडर द ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ ये कुछ जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं एक्स्ट्रैक्ट से जो आएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्स्ट्रैक्ट में लिख देंगे राइमिंग्स की जरूरी होती है हमें ये पता चल रहा है कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज यूज़ कर रहे हैं और हमें पोएट का नाम पता है ये बेर मिनिमम डिटेल्स हम कहीं पर भी फिट कर सकते हैं अब आगे अब एक, एक, एक काफ़ी लंबी पोम है

सर पोएटिक डिवाइस प्रॉब्लम रुको एक्सट्रैक्ट बेस्ड लिटरे डिवाइस वही तो देखो बताते रहो इसमें कौन कौन से आए एलिटरेशन दिखा जब दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स शुरुआत के या सिमिलर लेटर से सेम लेटर से साउंड होने वाले वर्ड्स बैक टू बैक लिखे जाते हैं वो एलिटरेशन है एलिटरेशन एल 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 इसमें भी दो एल है ठीक है एल एल इससे याद रख लो एलिटेरेशन इसी में कितने सारे सिमिलर वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं ना दो एल दो टी है कि नहीं तो जब सेम सेम वर्ड्स रिपीट सेम लेटर्स रिपीट होते हैं बैक टू बैक वर्ड्स में रहा हूं आपको जनरली अगर हम बात करें ना तो इमेजरी सिमिली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन ये कॉमन होते हैं प्राइमरली सारी उसमें ये याद रखो एटलीस्ट फिर और डिटेल में जाना है तो स्पेसिफिक याद रखो आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी अपन ने देखा अपनी पहली वाली उसमें अपन ने देखा था ठीक uh, है? कहीं अपन एक एग्जांपल निकालते चलो बून ट्रीज ओल्ड एंड यंग अब ट्रीज ओल्ड एंड यंग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं स्प्राउटिंग शेडी बून स्प्राउटिंग मतलब ऐसे स्प्राउट करके बहुत सारा शेड की वजह से बहुत सारे शेड जो होता है गर्म धूप वाले दिन में जब छाँव मिलती है तो वो एक बहुत बड़े बूंद की तरह लगती है एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं ब्लेसिंग की तरह लगती है है कि नहीं तो यहाँ पे अपन ने क्या किया इमेजरी यूज कर ली तो यहाँ पे अपन इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि बड़ा पेड़ यंग पेड़ बड़ी सी उसकी डालियाँ बहुत घना घना थिक फॉलियज और उसके नीचे तो इमेजरी आ गई तो जब भी आपको लगता है कि ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जहाँ पे चीजों के बारे में बात की जा रही है जहां पे सीनरी बनाने की कोशिश की जा रही है इमेजरी है तो प्राइमरीली चार पांच याद रखो आप ठीक है स्टैंडर्स में स्टैंडर्स में ये थोड़ा सा पोएट्री केस के के में बोलूंगा कि कंपेरेटिवली आसान है क्योंकि लाइन कम है वर्ड सामने सामने हैं तो अगर खोजना है या एंटीनिम अगर खोजना है तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि कम वर्ड्स हैं ऑलरेडी माना बट यह याद रखो कि वो वर्ड को किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है आपके लिए ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड या अकेला एक सेंटेंस पढ़ के जिसमें वो वर्ड है वो समझ नहीं आ रहा होता तो हमें तीन बार दो बार पढ़ना पड़ेगा उन लाइंस को या फिर आप ऐसे करो कि ये समझ लो कि भैया चार ऑप्शन हैं ऑप्शन लगा लगा के देख लो अगर मीनिंग सेम बैठ रहा है तो सिनोनिम मिल गया मीनिंग ऑपोजिट हो गया तो एंटोनिम मिल गया तो यहां पर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अभी सोलह कितने एक दिन भी नहीं बचा सोलह सत्रह घंटे बचे उसमें अभी ये सब छोड़िए आप अभी डायरेक्टली करिए स्ट्रेटेजिकली आप ठीक है तो इमेजरी बहुत कॉमन है परसोनिफिकेशन बहुत कॉमन है सिमिली मेटाफर बहुत कॉमन है एलिटरेशन अब कॉमन हो गया ठीक है थोड़ा फास्ट हो सकता है क्या वीडियो आर यू रेडी आर यू किडिंग मी ऑफकोर्स हो सकता है द रोड साइड स्टार ऑल राइट पोए रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना आपको द रोड टेकन यू नो वगैरह वगैरह बहुत अच्छी चीज इन्होंने अच्छी पोमलग रखी है माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप ऑसम ईयर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड नाइनटीन थर्टी सिक्स लिटरी डिवाइस एंड मेटाफर राइमिंग स्कीम ए बी ए बी ये सारे कार्यक्रम कहीं पर भी काम आएंगे जैसे मैं बाहर बोल रहा हूं एक बार प्लॉट रोड साइड स्टैंड रिफ्लेक्ट अपॉन द लाइफ ऑफ पीपल दट आर डिप्राइव एंड माइंडलेसली इग्नोरपल दू बी एक्सेप्टेड बाय दिटी पीपल इवन इफ दे डोंट बाई एनीथिंग फ्रॉम स्टैंड फर्दर द पोइट ऑल्सो पॉइंट आउट दट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर अनुल इन एंड विजेस विच इज़ in पीपल इन tend to remain dissatisfied एंड अनहैपी तो यहाँ पे हम कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं कंपैरिजन की बात कर रहे हैं सिटी लाइफ और विलेज लाइफ में और किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दोनों में जमीन आसमान का अंदर होता है और किस तरीके से जब सिटी ड्वेलर्स या मतलब शहर के लोग गाँवों में से निकलते हैं या गाँव जाते हैं तो किस तरीके से कई बार अनफॉर्चुनेट तरीके से ट्रीट करते हैं वो गाँव वालों को जो कि एक ऑनेस्ट लिविंग कमाने की कोशिश कर रहे हैं एंड मेकिंग एंड मीट ये है पूरा थीम चलिए बैगन सुधांशु तेरे को बैगन पसंद है ब्रिंजल लिख इंग्लिश की क्लास चल रही है बैगन की जगह ब्रिंजल लिख ऑल राइट हाँ टेंथ में भी है टेरर रॉबर्ट फ्रॉस का टेरर टेरर टेंथ में भी है सही बात है <coughs> चलिए थोड़ी सी भारी आवाज में स्टैंड वन शुरू करते हैं सज्जनों और देवियों द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वे द ट्रैफिक स्पेड a roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread but for some of the money the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint the polished traffic passed with a mind ahead take care take care. shed sped pled bread supports The 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 flower of city faint ahead. There has been an extension of the shed by a a family just beside the road. It was small small counter selling small berries and squash to make little money to earn their bread and butter. तो एक बार की बात है एक गांव में एक घर था उस घर के बाहर एक रोड जाती थी जो कि शहर से कनेक्ट किया करती थी उस घर के मालिक ने उस घर के बाहर एक छोटा सा शेड लगा दिया था

कुछ ही लोग पर रुक के एक्चुअली कोई चीज़ खरीदते हैं और मेजोरिटी ऑफ द सिटी जो ड्वेलर्स है ना जो सिटी वाले लोग निकलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में वैसे मुंह बना बना के जाते हैं अरे क्या है कैसा गंदा सा स्टोर है मैं तो बहुत हाई फाई क्लासी क्लासी ऐसे करके निकल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पोइट दिस प्लेस ऑफर्स अवन फॉर ओनली दोज हु कैन अफोर्ड इट सो ही एडवाइज द ट्रैफिक टू मूव ऑन तो ऑथर क्या बोलता है यार ये उन्हीं के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैफिक आप तो चलते रहिए आपके रुकने का कोई फायदा नहीं है Or if ever aside a moment, then out of sorts At having the landscape marred with the artless paint Of signs that with N turned wrong, and S turned wrong Offered for sale, wild berries in wooden quarts Or crook-necked golden squash with its silver warts The traffic belongs to well-to-do class Bahut ameer log So-called padhe educated log and एक्सप्रेस देस अपनी नापसंदगी अपना घिन दिखाते हैं एट द डिस्प्ले बोर्ड बोलते हैं ये कितने गंदे गंदे से एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाए हुए ये कैसे लिखा हुआ है चीजों को फार्मर्स इमेट लिटिल इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स की जो वो दयनीय आँखें थी जो कि ऐसे एक तरीके से गुहार लगा रही थी कि प्लीज प्लीज बाय समथिंग एनीथिंग डैट यू लाइक प्लीज बाय फ्रॉम अस वो भी कोई असर नहीं डाल रही थी मतलब एपिथ ही यहाँ पे चल रही है पता चल रही है हमें सिटी डवेलर्स की आपत्ति का मतलब होता है इनडिफरेंस वर्ड्स याद रखो की वर्ड सारा काम हो जाएगा दे ऑफर फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड एक्सट्रैक्टेड स्कोश एंड जूसेस टू मेक देम केप्ट इन एंटीक लुकिंग जार्स स्टिल नॉट एंटरटेन बाय द सिटी और बहुत खूबसूरत तरीके से सुंदर सुंदर जार्स में फ्रेश जूस रखते थे आजकल आपने देखा होगा अपन फैंसी जगहों पर जानते हैं और जार्स में चीजें देते हैं मतलब पुराने जमाने की बर्नियों वगैरह में जो कि आजकल फैंसी लगने लगी बिकॉज इट इज एंटीक्टेड यू नो इट इट हैज अ लुक टू इट है फैंसी फैंसी कर देते हैं ये भी वही कर रहे हैं बट ये गाँवों में कर रहे हैं यही चीज़ फाइव स्टार में कर रहे होते तो यही चीज़ पाँच हज़ार की खरीदी जा रही होती है यहाँ पर पाँच रुपये मिल रही है तो किसी को इज्जत नहीं है फ्रेश मिल रही है फ्रॉम फार्म टू योर टेबल वाला सीन है फिर भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को और आज हम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करते हैं बोलते हैं कि मैं इस ठेले से थोड़ा खरीदेगा मैं बड़ा आदमी मैं यही चीज जाके मॉल में छार दाम पे खरीदेगा क्योंकि मैं बड़ा आदमी के साथ बुद्धू आदमी भी है बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं

तो हमें महंगी चीज़ें ही खरीदनी चाहिए हमें हाई फाई मॉल में जा चीज़ें खरीदनी चाहिए हमें यहाँ से रोड के बाजू से ऐसे थोड़ी ना करनी चाहिए जबकि ऑनेस्टली मेरे को तो रोड साइड फूड ही ज़्यादा पसंद है अगर हम इसकी बात करें तो मॉल वॉल में सब ओवर रेटेड लगता है मुझे कई बार तो यहाँ पर ये वाली बात की गई है ठीक है ऐसी स्थिति यहाँ पे दिखाई गई एपथी की बात की गई इनडिफ्रेंस की बात की गई सर बस पास करवा दो प्लीज़ पास पास नहीं करवाऊंगा एक नंबर मार्क्स आएंगे हाँ फायर फॉर्स्ट काफी है इतना एग्जाम्पल ऑफ साउथ दिल्ली चेक वन टू वन टू ऐसी बातें तुम लोग करो मेरे को मैं नहीं कर सकता स्टैंड द्री और ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटिफुल माउंटेन सीन यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग दर्ट टू द सीनरी वुडेंट बी माई कंप्लेन सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अन सेड

बात कर दी है बड़े बड़े बिल्डरों की हमने पॉलिटिशियन वगैरह की थोड़ी सी बातें कर दी है बैकड्रॉप ऑफ लाविश ग्रीन फील्ड एंड हाई माउंटेन्स तो अब जस्ट इमेजिन की एक बहुत खूबसूरत से माउंटेन है ठीक है और बढ़िया बढ़िया पेड़ वेड़ है यहाँ पे और यहाँ पे घर है और गंदा सा यहाँ शेड लगा हुआ है और यहाँ से रोड जा रही है तो यहाँ पे कभी भी गाड़ी आगे खड़ी होती है ना हाँ ये गाड़ी है मान लो ये गाड़ी है कल एग्जाम है एग्जाम पे फोकस करो गाड़ी पे फोकस मत करो मेरी ये गाड़ी है यहाँ के देखती है। ओ, ये गंदा सा ये सामने तुमने दुकान बना दिया इतना बड़ा बड़ा पहाड़ इतना खूबसूरत सा नजारा हमको दिख नहीं रहा ऐसा वाला एटीट्यूड दिखाते हैं यहाँ पे कुछ कुछ कभी कभी महाशय जल्दी से मिटा देता हूँ इससे पहले आप ज्यादा मजा पड़ा है मेरा हम्म राइट तो यहाँ पे वो भी एक प्रॉब्लम है सिटी सिटीर्स को तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है प्रॉब्लम दैट द पोए नरेटेड इन पोम दट दिटी थिंक पीपल ठीक है तो एक और प्रॉब्लम बता दी भैया हाई माउंटेन्स ग्रीन फील्ड्स ये सब नहीं दिख रहे क्योंकि ये तो कंक्रीट जंगल में रहते हैं ये सब देखने उनको मजा आता like है फॉर द ट्रेवलर द शैक इज लाइक अ स्पॉयर और इसीलिए ये जो शेक है छोटी सी दुकान जो बनाई है ये स्पॉयर है ये गंदा लगता है ऐसा लगता है कि धब्बा लगा दिया बट खूबसूरत मुखड़े पे काला दाग लगाना चाहिए ना ताकि नजर ना लगे ऐसे देखा जाना चाहिए हमारे पोएट के हिसाब से पर इनको वो वो जो नजर ना लगे वाला दाग वो, दा, वो क्या बोलते हैं दाग है वो धब्बा लगता है For the travelers, the shark is like a spoiler, and the city dwellers avoid taking a glance at it, making them feel left out. और ये देखना भी नहीं चाहते, इतना disgust है, मतलब उसकी तरफ देखना ना पसंद है. How, you know, क्या बोलते हैं? Mm, grouchy. करते हुए हमारे पोएट यहाँ बताते हैं कि वो भी चाहते हैं सिट अपने विलेज ड्वेलर्स क्या कि यार वो जो मूवीज़ में दिखती है ना अच्छी अच्छी कहानियाँ गाड़ियां अच्छे, कहानिया, अच्छे मॉल्स अच्छा खाना अच्छा रहना सारी सुख सुविधाएं द यूटिलिटीज ये सब हमें भी चाहिए तो प्लीज़ एक दो तीन रुपए की तो बात है आप कुछ खरीद लीजिए आपके लिए तो छोटा सा पैसा मेरे लिए बहुत बड़ा पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं भी वो लाइफ जो मूवीज़ में दिखाते हैं क्या मैं उस लाइफ को एक बार जी सकूँ थोड़ा चख सकूँ बट ये इच्छाएं इच्छा, है, इच्छा है रह जाती है क्यों क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार में आती हैं जो कि इनके सामने घुटने टेकती हैं वोटिंग के समय इलेक्शन के समय वो इसके बाद भूल जाती हैं मतलब सत्य फिक्शन के बीच की जो लाइन है थोड़ी सी ब्लर होती जा रही बट एनी यू गेट द पॉइंट यू नो और ये लोग क्यों प्रिफर करते हैं कि बोलते हैं वोट तो इनसे बट प्रिफर करते हैं सिटी ड्वेलर्स को ये पीपल इन पार तो ये जो बीच में गैप है ना और हमने सोशल में पढ़ा है अगर आपको याद होगा तो कि गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इट हैज़ ऑलवेज़ बीन अ प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम अब हमारे सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल फैब्रिक में भी देखी जा सकती है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड सोशियो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड सोशियो पॉलिटिकल अनफेयरनेस अनजस्टनेस ठीक है फायर फ्रॉस्ट रोड <laughs> तो सर सोशल से पॉलिटिकल आया क्या अभी कौंट्र... नहीं है कंट्रास्ट तो दो चीजों में ऑपोजिट्स कम... होते हैं ना कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट ये तो हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट इज ब्लैक एंड व्हाइट ऑपोजिट हो जाना ठीक है वो होता है कॉन्ट्रास्ट तो ये जो नाम है वो काम है बच्चा मैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे बीच में बोलता चला जा रहा हूं बेटा

अब बात की जा रही है यहाँ पे कि द चांस इज दैट वेरी सून दीज विलेज विज दे मतलब विलेज विल बी रीलोकेटेड टू नियर बाय सिटीज नियर थिएटर्स और स्टोर दैट विल बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट तो बोलते हैं कि अरे बस पर कुछ ही समय की बात है जिस दिन भी इस में ये गाँव में लोग हैं ना इनको सिटी में लेके आने वाले हैं ताकि ये भी थिएटर के पास हों अच्छे स्कूल अच्छे हॉस्पिटल वगैरह के पास हों पीपल हुर विशर्स विल यूज दैम फॉर देर ओन मोटिव पर ये जो बुलावा आया है ना ये डू गुडर्स नहीं है कि मतलब तो मेरे मन की अच्छाई से मैं नहीं बुला रहा हूँ एज अ सिटी डिवेलर मैं अपने मन की अच्छाई से नहीं बुला रहा हूँ मैं ऐसा कहना चाहता है हमारा पोएट इन विजेस को क्यों बुला रहा हूं ताकि वहां पे आके आप वो सारे काम कर सके जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है तो उन्हें अपने सिटी के नगरी के जंजाल में फंसा लिया जाए द मूवमेंट फ्रॉम टीयर थ्री टू टीयर वन इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल इसी चीज का अगर आप ध्यान से सोचेंगे इस बारे में तो कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है ड्रॉ कंपेरिजन बिटवीन द थिंग्स द पोएट हैजॉक्ट अबाउट इन द पोम द रोड साइड स्टैंड एंड द रियलिटी रियलिटी सोसाइटी मतलब हमारी असलियत और के जो बात की गई है उसके बीच में कंपेरिजन प्रश्न भी आ सकता है ठीक है और मैं जब ये प्रश्नों की बात कर रहा हूं तो मैं एक्सट्रैक्ट बेस से थोड़ा हट के बात कर रहा हूं ठीक है एक्सट्रैक्ट बेस आया तो सीधा सीधा क्वेश्चन है उसमें क्या ही करना है दीपल हु कंसिडर दि हाँ ठीक है देयर सिंपल एंड कॉम्पलेसेंट लाइफ स्टाइल विल बी डिस्टर्ब इन द न्यू प्लेस ऑन दी अदर हैंड द मैनिपुलेटर्स विल टेकिंग एडवांटेज फुलफिलिंग सेल्फिश मोटिव्स तो ये यहाँ पे आ जाएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे हमारे घरों में हाउस हेल्प की तरह काम करेंगे तो एक्सप्लाइड होंगे बेचारे विलेजर्स तो इसकी वजह से बुला रहा है सिटी अंदर अपने घर के अपने सिटी के अंदर कि तुम आओ ये काम करने के लिए हम लाइफ स्टाइल का तो आपको झांसा दे रहे हैं बस ऐसा थोड़ी ना होगा आपके साथ ठीक है और ऐसे करते करते क्या एक्चुअल में हैबिट्स तो विलेज में रहने वालों की अच्छी है सूर्य उदय के साथ उठना सूर्यास्त के साथ सोना पर सिटी में आने के बाद ये सब हिल जाएगा ठीक है बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे और ये सिटी वाले सिखाएंगे विलेजेस को कि सोना कब है और जागना कब है है कि नहीं तो यहाँ पे ये अनफॉर्चुनेट चीज की बात करिए किस तरीके से एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ जाने के चलते एक खराब लाइफस्टाइल की तरफ चले जा रहे हैं पता भी नहीं है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ इफ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच Childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. Of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one that stop but only to plough up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas? They couldn't, this crossly, they had none, didn't it? See? अब यहाँ पे एक और बात कर रहे हैं रियल टाइम की बात कर रहे हैं इन दिस द टेल्स व्हाट ही फील्स बाय लुकिंग एट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ दिस पीपल तो यहां ये यह बोल रहे हैं पोएट बोल रहा है आपकी मेरे को कैसा फील होता है तो स्टैंड ऑफ फाइव में पोएट अपनी फीलिंग्स की बात कर रहा है टाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन तो ये बच्चों वाली जो फीलिंग है हमारे विलेजर्स की कि यार एक दिन हमारी भी जिंदगी बेहतर होगी एक दिन हम भी शहर में रहेंगे ये जो बहुत ही चाइल्डिश बचकानी सी है और ये सब एकदम व्यर्थ है वेन का मतलब है विथ नो एंड या विथ नो गेन व्यर्थ यू नो यूजलेस है

दे वेट फॉर कस्टमर्स लाइक अ अचाल बच्चों की तरह कस्टमर्स का वेट कर रहे होते हैं रिस्पेक्टफुल होते हैं नियर दी ओपन विंडोज विशिंग दैट द कार स्टॉप द एंक्वायर वो भी घर के से खड़े होकर देख रहे होते हैं कि यार एक कार तो रुकेगी यार प्राइस क्या है वही पूछ ले खरीदना मत एक्नोलेज तो करो कि मेरी यहाँ पर दुकान है इतनी सी चाहिए अब तो इतनी सी एक्सपेक्टेशन है सिर्फ उनकी बेचारे

और वो बोलता है वेलेजर बोलता है वाह क्या प्रश्न है सर मेरे पास पेट्रोल मिलेगा क्या मेरा शेड में पेट्रोल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा से तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये पढ़े लिखे मूर्ख कौन है भाई कि ये आंखें भी नहीं है मतलब हम दिख ही नहीं रहे हैं। हम नहीं दिख रहे हमने जो चीजें यहाँ पे बेचने के लिए रखी है वो नहीं दिख रही है कैसा कार्यक्रम है यार हाँ टेरर बट दिटी पीपल विल नॉट बाई सही बात है स्कूल का फिर फिर स्कूल का सेंटर प्रिंस ऑलराइट और इस तरीके से यहां पे हमने इस स्टैंजा में देखा कि पोएट क्या फील करता है सिटी ड्वेलर्स किस तरीके से हैं और एक इंस्टेंस जहां पे कार रुकती तो है पर एक अलग ही चीज के लिए जिसकी वजह से हमारे विलेजर भाई साहब को दुख भी होता है नो इन आवर कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And then, next day, as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. द poet वॉन्ट्स टू अपलिफ्ट द पुअर कंट्री people. पीपल वो अप पोट से झल नहीं रहे बोलता कि अब बहुत हो गया मैं करूंगा कुछ मैं इन लोगों को अपलिफ्ट करूंगा मैं इन्हें एम्पार करूंगा यू मॉनिटरिली एजुकेशन वाइज नॉलेज वाइज इंफॉर्मेशन वाइज मैं करूँगा फ्रॉम देर एग्जिस्टिंग ताकि अपने एग्जिस्टिंग पेन से इनको छुटकारा मिले एंड देयर फॉर ही एम्पथाइजेज विदेम और इसलिए उसकी एम्पथी उसका दिल वहाँ तक जाता है हिज हार्ट रीच इज आउट टू दैम विदेम बट लेटर लॉजिकल थाट कम्स टू टेक पोजिशन

ही थिंक्स दैट दीज पीपल शुड भी पुट आउट ऑफ पेन एंड हार्डशिप्स ऑफ एक्जिस्टेंस पर वो फिर भी चाहता है कि यार ये जो ये जो फॉल्स होप्स हैं ये हार्डशिप्स ऑफ लाइफ है ये हैंड टू माउथ जो जी रहे हैं ये सबसे थोड़ा छुटकारा मिलना चाहिए ये पेन है यार ऐसे थोड़ी ना लाइफ होनी चाहिए ही देन राइट्स दैट ही इमेजन्स हाउ वुड ही रिएक्ट वेन द नेक्स्ट डे एनीम वुड गो एंड जेंटली वेक हिम अप एंड पुट हेम आउट ऑफ पेन दैट ही फील्स फॉर द पीपल और अचानक वो सोचता है कि कैसे रिएक्ट करूंगा मैं कि एक दिन मैं ये सोच रहा हूँ और अगले दिन किसी ने मुझे उठाया और बोला कि अरे वो सारा पेन वेन जो चाहता है ना चला गया वो चला गया वाह यार तो कैसा फील करूंगा अगर एक्चुअली मेरी जो विश है लोगों के लिए ये साकार हो गई इफ इट कम्स टू फ्रूवेशन इफ इट मैनिफेस्ट सेल्फ बट दिस माइट ओनली बी द टेम्पररी रिलीफ फॉर हिम जस्ट लाइक इट वुड बी फॉर द फार्मर्स और Poor But वो बाद में आता है, कि ये सिर्फ है यार। बड़ा चेंज लाने के लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ चेंज होना जरूरी है पूरी सोसाइटी को एक साथ चेंज होना जरूरी है so you know, और बहुत से लिखा था द सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल फाइनेंशियल डिस्पैरिटी लिटरेरी डिवाइसिस ध्यान दो वापस आओ मेरी क्लास में खत्म हो रही है ट्रांसफर्ड एपिथित्रांसफर्ड टू अनदर थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड है ट्रांसफर्ड एपिथिथ ये यहीं पर आया सिर्फ पॉलिश ट्रैफिक तो ये पॉलिश है एडजेक्टिव ट्रैफिक जो है वह ट्रैफिक है ठीक है तो जब एक एडजेक्टिव जो यूजली किसी और चीज के लिए यूज होते हैं क्योंकि पॉलिश हम किसके लिए यूज करते हैं पॉलिश कैरेक्टर पॉलिश शूज Polished mirror, तो पॉलिश जो एड्जेक्टिव यूजली मिरर जूते कैरेक्टर या पॉलिश नो एक्सेंट जो भी होता है लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं पर यहां पर पॉलिश ट्रैफिक यूज किया जा रहा है तो मतलब कुछ अलग टाइप के वर्ड के लिए जब हम एक रेगुलर एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो वो ट्रांसफर कर रहा है मीनिंग यहाँ पे अब पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है ट्रैफिक किसका था सिटी ड्वेलर्स का रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन ठीक है alliteration back to back words mein वर्ड hai of the same sound एनाफोरा back to back लाइंस में रिपीटेशन है ऑफ द सेम वर्ड नॉट द साउंड द वर्ड और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वॉच और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन तो यहां पे और और बस दैट्स इट तो ये एनाफोरा पर्सोनिफिकेशन हमें पता है द पर्स द पोएट हैजोनिफाइड सैडनेस बाय यूजिंग द फ्रेज सैडनेस दैट लर्क्स लर्क करना मतलब छुप के कहीं पे देखना अगर आपने कभी भी छुपन छुपाई खेली होगी तो अपन छुपते ना ऐसे कहीं पे कोने में ऐसे जाके छुप जाते हैं तो इस वाले चीज को जहां पे अंधेरे में कहीं छुपे हुए हैं ताकि कोई हमें देख ना पाए उस वाले पर्टिकुलर स्टांस को पर्टिकुलर स्टेट ऑफ बींग को हम लर्क करना बोलते हैं और लर्क यूजली लिविंग थिंग्स ही कर सकती हैं बट यहाँ पे सैडनेस को लर्क करवा दिया सैडनेस को पर्सन की हमने एक क्वालिटी दे दी पर्सोनिफाई कर दिया मेटाफर होता है ट्रस्टिंग सोरो पे एग्जाम्पल है metaphor का metaphor comparison के figurative meaning के अलावा देने लिए बताता है literal meaning होता है होता बोला तो pen. दूसरे में pen अगर बोला तो मैंने शायद बोला कि sword. तो जब same to same meaning है जो वर्ड बोल रहा हूँ वही मीनिंग है तो वो लिटरल मीनिंग है पर तो जो वर्ड बोल रहा हूँ उससे एक डिराइव्ड मीनिंग है तो उसे फिगरेटिव मीनिंग बोलते हैं ठीक है डिराइव्ड है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मीनिंग है एलिटरेशन हमें पता है ग्रीडी गुड जी जी

पर वो एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए एक्सट्रैक्ट बेस में पता चला लाइन ही नहीं और यहां पे सिमिली यूज करिए तो गलत हो जाएगा आंसर ठीक है कहा चलेगा विस्तार किया है खत्म कर दिया है एनाफोरा एक्सप्लेन कर देंगे फिर से कर देंगे करेंगे जब दो बैक टू बैक लाइन में पहला शब्द रिपीट होता है उसे एनाफोरा बोलते हैं द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन और क्रोकनेट गोल्डन स्कोश विथ सिल्वर वॉच और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटिफुल माउंटेन सीन तो दोनों बैक टू बैक सेंटेंसेस थे और दोनों वर्ड और से शुरू हुए तो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस जो कि एक समान सेम शब्द से शुरू हो उन्हें आना फोरा कहत रही ठीक है ओके ओके हाँ ग्रामर ग्रामर पे आर एरर टेरर इसके बाद आठ जेनिफर के टाइगर से एक बार डील कर लें फिर आते हैं लेट अस बिगिन फायर फ्रॉस्ट एनाफोरा समझ में बता बच्चे एडवेंचर ऑफ लाइफ मैं तेरे को सजेस्ट करता हूं एक चीज क्या पहले लिटरेचर सेक्शन करो उसके बाद रीडिंग बेहतर रीडिंग राइटिंग बेहतर पहले लिटरेचर करो चलिए आस टाइगर पोएट एड्रियन रिच अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए पोएट का नाम याद रखना अनिवार्य है एयर ऑफ पब्लिकेशन 1951 devices, irony, and irony एक नया आ गया इसमें बाकी सब तो पढ़ लिए राइमिंग स्कीम ए ए बी बी प्लॉट पानी पी के आता हूँ ज्यादा लंबी हो गई थी चलिए रिज्यूम करते हैं सज्जनों स्टेम सब्जेक्ट्स जो होते हैं साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ मैथमेटिक्स जैसे मतलब जो होते हैं उससे तो डर हमेशा लगता है इंग्लिश वगैरह से डर नहीं लगने का सही बात है कमेंट्स अच्छा, आज अच्छा है कमेंट सेक्शन अपना और चलिए निपटाते हैं एक साथ अपॉलॉजीज लॉट समरी द थीम ऑफ द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर रिलेट्स टू द इश्यू एंड सब्जेक्ट ऑफ मेल डोमिनेंस इन सोसाइटी मेल डोमिनेंस मेल सोसाइटी मेल डोमिनेंस सोसाइटी की बात करी जा रही है वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अटेंडेंस द थीम वॉन्ट्स टू हाईलाइट द कॉन्फ्लिक्ट issues and struggles that a woman has to face in the male chauvinistic society Aunt jennifer is essentially the protagonist in the poem the central character protagonist

And deplorable conditions of women के बारे में बात कर रही हैं Adrienne Rich and Jennifer's Tigers and Jennifer's Tigers prance across a screen bright topaz denizens of a world of green they do not fear the men beneath the tree they pace in sleek chivalric certainty क्या है rhyming scale? अब आप बताएंगे हमें हाँ हाँ मैं भी PCM वाला था बार भी तक <laughs> फिर मैंने बी ए कर लिया हैप्पी लीसो चलो मेरे प्रश्न को उत्तर दो क्या है राइमिंग स्कीम फायर फ्रॉस्ट तेरह एडवेंचर ऑफ लाइफ तनिश क्या है राइमिंग स्कीम बताइए मुझे करो ना बताओ What is the rhyming scheme? Je Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek, chivalric certainty. Ha, please, take your time, take your time. Hey! rhyming scheme? What is rhyming scheme? A, A, B, C. Okay. ए बी, बी 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 सी बी सी सी नवनीत ए ए ए ए ए तनीजा टेरर ध्यान ध्यान से ध्यान से मैं फिर से पढ़ रहा हूं देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूं साउंड अब मैं क्वेश्चन में आ रहा एक चीज राइमिंग स्कीम जो गड़बड़ होती है ना क्योंकि आप वर्ड मेरे को लगता है आप आखिरी वर्ड पे ध्यान दे रहे होते हो या आखिरी लेटर ऑफ द वर्ड पे ध्यान दे रहे होते हैं नहीं नहीं साउंड पे ध्यान दो साउंड पे मैं फिर से पढ़ रहा हूं

ए ए बीबी प्लीज बहुत सिंपल चीज है देखो अभी तुमने अटेम्प्ट किया कंफ्यूजन एक बार में खत्म हो गया पर दिस इज वॉट इमर्सिव लर्निंग शुड लुक लाइक द फर्स्ट चांस जेनिफर एंड हर पैशन फॉर एम्ब्रॉयडरी तो आंट जेनिफर एंड पैशन फॉर एम्ब्रॉयडरी जनरल क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है मेक अ कमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ वुमेन इन योर सोसाइटी इन योर लोकैलिटी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम यह जनरल क्वेश्चन आ सकता है ठीक है

ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आएगा वाई डू यू थिंक जेनिफर मेकिंग या वीविंग द टाइगर हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन द पोम ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है टाइगर को बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे आर ब्राइट इन कलर लाइक स्टोन ये कलर्स पे ध्यान देना ब्राइट येलो कलर इन टोपा स्टोन द डेंस ग्रीन जंगल इज द बैकड्रॉप ऑफ द सीन तो अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि वो जो बना रही है उसमें एक टाइगर बना रही है ये टाइगर है ठीक है और उसका एक बैकड्रॉप है और उसके कलर्स की बात की जा रही है पीछे जंगल है ग्रीन कलर का, टाइगर अपने जैसे दिखता है काला और पीला वैसा है टाइगर्स फुल ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ मैन बहुत खूबसूरत तो आंट जेनेफर जो थी ना उनको कहीं ना कहीं जहन में उनके डर बैठ गया था उनके हस्बैंड के प्रति क्योंकि शी वॉज नॉट इन अ हैप्पी मैरिज तो अनअ्रेड ऑफ मैन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझना कि शी वॉज दे पेस इन स्लीकरिक सर्टनिटी सो दट शिवलरीट वॉज मिसिंग इन हर लाइफ शी इज स्ट्रेंग टू वी विट ऑन दैट पीस ऑफ क्लॉथ यू नो यूजिंग टाइगर्स इन वॉट नॉट एंड टाइगर्स ऑल्सो डिपिक्ट सिंबलाइज स्ट्रेंथ टाइगर्स के टाइगर का और क्या क्या सिंबॉलिक मीनिंग हो सकता है सोचकर कमेंट्स में फटाफट बनाना बताना शुरू करो सर टेरर

तो पे रिश्तों की बात करने लगे हम लोग. ठीक है. the fearless टाइगर्स कितना खूबसूरत सा चीज है देखिए, Aunt आंट के हाथ कांप रहे थे जब वो बना रही थी क्या बोलते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर टाइगर्स को तो उनके हाथ कांप रहे थे ठीक है ये जानना बहुत जरूरी है शी इज वीविंग समथिंग दैट इज एप्सल्यूटली इन कॉन्ट्रास्ट हर कैरेक्टर तो यहाँ पे कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट मैंने आपको बोला था ना कि टाइगर बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है क्या सिंबोलिज्म है ये है उसका आंसर सो शी इज बोथ एक्साइटेड एंड अफ्रेड अनलाइक द टाइगर तो एक्साइटेड और अफ्रेड है हमारी आंट जेनिफर टाइगर ऐसा नहीं है टाइगर इज वेरी श्योर टाइगर इज वेरी काम एंड टाइगर वॉक्स लाइक अ टाइगर रूल अनअफ्रेड एंड रूलिंग ऑल शी इज़ अफ्रेड दैट आर हस्बैंड वुड नॉट अप्रूव फर एम्ब्रॉयडरिंग फियरलेस टाइगर्स दैट आर प्राउड ऑफ देर एक्सिस्टेंस यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि उनके हस्बैंड उनको रिस्पेक्ट नहीं करते थे और हस्बैंड वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड अप्रूव नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए पता है आपको क्यों क्योंकि शायद उनको पावरफुल लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है उनको ऐसा हो सकता है ना कि मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं तो शायद टाइगर ऐसा बना रही हो उनको बुरा लगे

बाकी तो आप समझ ही गए होंगे रीड बिटवीन द लाइंस होता है हर चीज़ यहाँ पे हर फिंगर्स आर ऑल्सो वेट डाउन बाय अंकल्स वेडिंग बैंड तो उनके हाथ पे उनकी वेडिंग बैंड है उनकी अंगूठी है और वो भी बहुत भारी लगती है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज की सिम्बोलिक है मतलब एक तरीके की चेन बन चुकी है हथकणियाँ बन गई हैं उनकी शी डज नॉट कंसिडर इवन ईयर्स आफ्टर अ मैरिज और कई सालों बाद भी अपनी वो रिंग अपनी खुद की नहीं मानती ये क्वेश्चन आ सकता है वाई डिड द वाई जेनेफ जेनेफर नेवर कंसिडर द रिंग टू बी हर ओन इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ मैरिज बर्डन बाय द ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज शी इज नाउ क्रश्ड एंड वॉर नाट वाई डिड शी नॉट कंसिडर दिस रिंग आर ओन बिकॉज शी नेवर फेल्ट एन इक्वल पार्ट इन द रिलेशनशिप बिकॉज शी वॉज नेवर रिस्पेक्टेड By her spouse, and that is why she always felt burdened by obligations of marriage. She is now crushed and worn out. She is absolutely hopeless. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. The third standard is a projection of the future. फ्यूचर की बात कर रहे हैं थर्ड स्टैंड में जब मृत्यु हो चुकी होगी तब भी उनके डरे हुए कांपते हुए हाथों में वो रंग रहेगी और तब भी एक बर्डन रहेगी दोर्ट्स इज देट इज अ पार्ट ऑफ अ टेरिफाइड लाई बाय दे अबाउटिटेंट एज अबर्सिव सब सर्वियंट वाइफ मतलब जो एकदम एकदम सबमिसिव हो चुकी थी वाइफ वैसी एज द फिंगर्स हर रियल कैरेक्टर तो वो सबसर्वियो है जिन खूबसूरत बनाए इन जंगल जो कि अपने आप में एक बहुत ही टिमिड और डरी हुई सी महिला थी द पोएटर वेट ऑल दो वेरी स्ट्रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड है ऊपर ऊपर जनरल तौर पर तो उनको दबाव उनके ऊपर बन गया था उनके पति का बट इट कुल हर माइंड विच पाइंड फॉर फ्रीडम पर उनके मन को उनके माइंड को वो मार नहीं पाया क्योंकि वो माइंड आज भी फ्रीडम क्रेव करता है ठीक है फ्रीडम क्रेव करता है अनफॉर्चुनेटली हर ऑडील विल नॉट एंड विथ हर डेथ एज द बर्डन सम रिमेन ऑन हर इवन आफ्टर दैट पर ये ऑर्डील है ना जो मैरिज का बर्डन है वो मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि मरने के बाद भी वो अंगूठी उनके उंगली पर ही रहेगी हाउ एवर शी डिजायर्स फॉर फ्रीडम

सिंबोलिज्म भी तो डायरेक्टली तो हमें पता ही है पर इसको यूज करते हुए सिंबल्स किसके हैं द अनफॉर्चुनेट रियालिटीज ऑफ अवर सोसाइटी द अनफॉर्चुनेट प्लाइट ऑफ वेमेन इन आर सोसाइटी उसके ऊपर कमेंट्री की जा रही है और यहां पे इसलिए इन वर्ड्स को सिंबल्स के लिए हमने चूज किया है आयरनी। वीक एंड फियरलेस तो आयरनी है एक कमजोर महिला एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और करेजियस क्रिएचर को वीव कर रही थी एलिटरेशन फ्लटरिंग फ्लिंग फिंगर्स फ्लटरिंग एलिटरेशन। इमेजरीज

इमेज क्रिएट करने के लिए वर्ड्स यूज किए गए हैं सेंटेंस फिर हो गए हैं इमेजरी बन गई खत्म द ऑफ आंट जेनिफर एंड द टाइगर मेंटली में टाइगर रिप्रेजेंट्स करेज हर इनर फीलिंग हर इनर स्पिरिट हर इनर करेज ठीक है फायर फ्रॉस्ट टाइगर ये करता है और टोपास तो डेनिजन कौन है पूछा तो टाइगर है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन कौन है पूछा क्या है पूछा तो जंगल है टोपास तो डेनिजन पूछ सकते हैं शॉर्ट आंसर में टोपास तो डेनिजन किसको बोला गया है एग्जाम्पल वो टोपास डेनेसन वाली आपको स्टैंड दे दिया किसको बोला गया टोपासन टोपास पीला रंग होता है एक ही चीज पीली है टाइगर विद ब्लैक स्ट्रिप्स ठीक है समझ में आया समझ, माया? समझ माया नहीं आया जल्दी बताओ जल्दी बताओ और इसी के साथ हमारी पोएट्री पोरे, सारी खत्म अगर समझ में आया तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ मैं पानी पीने जा रही है थोड़ी देर में बना रही है हाँ अब दो की स्पीड पकड़ ठीक है ठीक है ठीक है, है पहले मेरे को क्या बोल रहा है तेज़ बोलो मेरे को लगता है मैं ऑलरेडी काफ़ी तेज़ बोलता हूँ ग्रामर की बात की जाए राइटिंग सेशन का पार्ट है बेसिकली बारहवीं में हो तुम तो ग्रामर पूरे पेपर का पार्ट है मैं बार बार कहता हूँ फिर से कह रहा हूँ ग्रामर का यूज करो करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाओगे तो तुम्हारे मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा है वोकेब्लरी और हाईफाई सेंटेंस मत बनाना अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ये बचा हुआ समय नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है पूरा जीवन लग जाता है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए तो ओवरनाइट ओवरनाइट वाला कार्यक्रम नहीं करेंगे हम यहाँ पे क्या चीजें जिन जिनपे ध्यान देना है पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन नाउन प्रोनाउंस वर्ब वर्बजेक्टिव ये सब हमें आता है हमें इसे यूज सही तरीके से करना है एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर क्रिएटिव राइटिंग करनी है तो एडजेक्टिव्स पे खासा ध्यान रखना ये बहुत जरूरी है ठीक है बिकॉज इट हेल्प्स यू ब्यूटिफाई सेंटेंस इट हेल्प्स यू ब्रिंग आउट इमोशन और क्रिएटिविटी इन एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू राइट सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वगैरह सेंटेंस होते हैं अब यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली ऐसे पूछ नहीं जाएगा कि कौन सा से सेंटेंस से है अब बड़े हो चुके हो तुम लोग पर तुम कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस को भी यूज़ कर सकते हो अपने राइटिंग सेक्शन के राइटिंग स्किल्स में ताकि तुम लोगों को यह पता चल जाए कि किस तरीके से हम अगेन क्रिएटिव राइटिंग को एनहांस कर सकते हैं जब भी हम फॉर्मल राइटिंग वगैरह की बात करते हैं फॉर्मल लेटर हो गया या फिर आर्टिकल या रिपोर्ट हो गया वहां पे यह सारे हमें एज अ स्किल यूज करना है मैं बता रहा हूं फिर से एज अ स्किल यूज करना है इनकी डेफिनेशन को रटना नहीं है ठीक है कौन ऑफेंड हो गया गाली दे रहा है कौन 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 गाली दे रहा है कोई गाली वाली नहीं देगा यहां पर नॉन सेंस अंडरस्टैंड हाँ है. Tenses, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर से बता रहा हूँ यूजली हम सिंपल या फिर कंटिन्यूस uh, टेंस में चीजें लिखते हैं अगर हमें क्रिएटिव राइटिंग बढ़ानी है और हमारी वोकैबुलरी में हमारा वोकैबुलरी थोड़ी तंग है मतलब हमारा री में तो हम पर बना के यूज कर सकते वही सेंटेंस को परफेक्ट टेंस या पर हम क्रिएटिविटी एनहेंस कर सकते हैं हमने राइटिंग की याद रखिएगा बार बार बोल रहा हूं मैं ठीक है एग्जाम्पल देता हूं आई गो टू स्कूल एवरी डे I have been going to school every day. मैंने बात लगभग सेम बोली है बट मैंने दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस से ज्यादा क्रिएटिव लगता है जस्ट बिकॉज मैंने परफेक्ट टेंस यूज कर लिया उसको बनाने के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस तो आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमेशा इंपॉर्टेंट था ठीक है तो सेंटेंस कन्वर्ट वगैरह करना है तो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वगैरह अगर आए तो एक्टिव पैसिव वॉइस में पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव वॉइस बेसिक अंतर ये है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है राम किक्स फुटबॉल फॉर एग्जाम्पल ठीक है राम किक्स फुटबॉल राम फुटबॉल को लात मारता है यहां पे राम सब्जेक्ट है फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है तो वो एक्टिव से पैसिव बन जाता है एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को लेते हुए द फुटबॉल वॉज किग्ड बाय राम फुटबॉल वॉज किग्ड बाय राम तो फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट था ओरिजिनल सेंटेंस में अब वह सब्जेक्ट की जगह पर आ चुका है तो so, हमने इस सेंटेंस को पैसिव बना दिया यह होता है डायरेक्ट इंडक्ट स्पीच सबसे सिंपल होता है डायरेक्ट स्पीच राम सेड एग्जाम्पल राम सेड कॉमर लगाया डबल इन डब कॉमर्स खोला आई एम अ फ्रीड ठीक है फुल स्टॉप अब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे फटक्स लिख के बताओ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल बनाओ कंपाउंड सेंटेंस बिल्कुल बनाओ सिंपल सेंटेंस से दूर रहो अगर तुम्हें लगता है कि क्रिएटिविटी दिखाने की क्रिएटिविटी के मार्क्स मिल रहे हैं बोला है सीबीएसई के सर्कुलर में आया हुआ है तो बनाओ बताओ मुझे अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुम बताओगे राम सेड इनवर्टेड कॉमास में आई एम अफ्रेड ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है पहले ये बताओ कमेंट्स में फटाफट भट बताइए ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है रिमेंबर अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुमसे डायरेक्टली ऐसी चीजें ना पूछी जाए पर इसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा और बाय द वे जब भी तुमसे एप्लीकेशन पूछा जा रहा है ना तो वही है कॉम्पिटेंसी बेस्ड कार्यक्रम तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है फटाक से बताइए हेलो नेगी साहब हेलो 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 क्षमा कीजिएगा राम सेड आई एम अफ्रेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरी गुड फायर फ्रॉस्ट डायरेक्ट अब इसका इनडायरेक्ट करके बता फटाख से इनडायरेक्ट करके बता फायर फ्रॉस्ट करुणा कहां गए टेरा आंसर दे नेगी साहब बताइए मिस्टर अनोन एक डाउट है पूछ ले यार

ना उनके साथ लगता है ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देना क्यों जरूरी है अगेन क्रिएटिव राइटिंग की बात करो क्रिएटिव राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तुम अपने लिटरेचर के सेक्शन में भी लिखे रहो वहां क्रिएटिव राइटिंग दिखानी है आपको वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग दिखानी है आपको आप राइटिंग सेक्शन में भी लिखे रहे हो वहां पर क्रिएटिविटी दिखानी है रीडिंग सेक्शन तो रीडिंग सेक्शन है वहां पर इतना ज्यादा लिखने का कार्यक्रम हो, होता नहीं है पर इन दोनों सेक्शन को ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स बच्चों पंक्चुएशन मार्क्स मेरी अगली बात बहुत ध्यान से सुनना What pauses are to the spoken word, punctuations are to the written text. जब हम बात करते हैं तो पॉजिज लेना बहुत जरूरी होता है सांस लेने के लिए भी और मीनिंग को डेप्थ देने के लिए भी वही चीज पंक्चुएशन मार्क्स करते हैं जब हम चीजों को लिखते हैं तो प्लीज मेक श्योर पंक्चुएशन मार्क्स एकदम सही लगाओ लेटर्स में कॉमास नहीं भूलना फुल स्टॉप्स कहीं पे भी नहीं भूलना क्वेश्चन मार्क्स वगैरह अगर लिख रहे हो तो नहीं भूलना उनको लगाने के लिए क्योंकि उनके मार्क्स कट जाएंगे अगर गलत तरीके से लिखा हुआ है तो और फॉर्मेट की जब बात करता हूं मैं लेटर या फिर आर्टिकल या फिर जो भी है सारी चीजें इन्विटेशन इन सब में पंक्चुएशन मार्क्स के अलग मार्क्स होते हैं बहुत जरूरी है वही ग्रामेटिकल करेक्ट होता है चीजें ठीक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें पता है कॉन्कॉर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस ठीक है वर्ड ऑर्डर वर्ड ऑर्डर जम्बल सेंटेंसेस, वर्ड ऑर्डर अब कभी जम्बल कुछ आया और वर्ड ऑर्डर उसको उसको ऑर्डर में करने बोला तो हमारा वाला कहानी यहाँ पे काम आएगी ठीक है अगर अब कुछ भी डाउट बचा है तो राइटिंग सेक्शन पे हमने पूरा वन शॉट लिया है उसमें सारे फॉर्मेट्स डिस्कस किए हैं वहां जाके वो वाला वीडियो देखना है, देख सकते हो हमने रीडिंग सेक्शन को एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया है जहां पे हमने अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लिए हैं पैसेजेस पैसेजेस के या और के के लिए लिए और फैक्ट केस भी इन सब ऊपर एक बार नजर डाल लीजिएगा आवश्यकता लगे तो और हमने दोनों किताबें भी कंप्लीट कर दी मतलब तो चार दिनों में हमने एक्चुअली पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है नाउ यू नो एवरीथिंग पर अब मुद्दे की बात मुद्दे की बात यह है कि मेरे को एक तो क्लास खत्म हो गई अब क्या करें मेरा सजेशन बहुत सिंपल सा है बच्चों क्लास खत्म नहीं की साहब मेरा सिंपल सा फंडा है आपको बार बार बता चुका हूं फिर से बता रहा हूं एक आखिरी बार तुम्हें तो जितना पढ़ना तो तुमने पढ़ लिया यार ठीक है अब ज्यादा टेंशन नहीं लेने का अब ऐसी कुछ चीजें जो कि तुम्हारे दिमाग को शांत रखें वो चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है और एंगजाइटी हो रही है तो तुम एक बॉक्स ब्रीदिंग नाम की टिकनीक है उसको यूज़ करो। इज़ एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू आवर वेल बींग ठीक है मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूं जिसको रहने की इच्छा रहे जिसको नहीं रहना है वो ना रहे बट मेंटल हेल्थ अनिवार्य है आवश्यक है ठीक है

होल्ड एक्सेल रेस्ट यू रिपीट दिस एंड यू विल फील बेटर भरोसा मत कर मेरी बात पे ट्राई करके देखना फिर मुझे बताना इफ इट वर्क्स और नॉट इसी वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में बाद में भी बता सकते हो अभी करके ट्राई करना तो अभी करके बता सकते हो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स की बात है अगर तुमने बीस सेकेंड भी दे दी अपनी वेलबींग के ऊपर तो तुम्हारे बाकी के जो तीन घंटे और कुछ दो घंटे और कुछ सेकंड जो भी कितने मिनट और सेकेंड बचे हैं ना वो तुम्हारे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे बिकॉज प्रोडक्टिविटी की बात है बच्चों तो ब्रीद ड्रिंक वाटर एंड प्लीज इंग्लिश लैंग्वेज है कोई भी मूर्ख होगा ये समझने के लिए कि मैं ओवरनाइट पढ़ लूंगा कोई भी लैंग्वेज को ओवरनाइट नहीं पढ़ा जा सकता ठीक है क्यों क्योंकि लैंग्वेज इवॉल्व करती है तो ये दिमाग में लेके मत चलिए कि, कि कुछ नहीं आता या सब कुछ आता है दोनों ही गलत है सोचने वाले कि कुछ नहीं आता सब कुछ आता है सो मेक श्योर दैट यू कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल्स एक ही तरीका बता रहा हूं स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए पानी पीते रहना और एक बार प्लीज जब कमरे में घुसो ना अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप तो खैर दो तीन एग्जाम्स दे चुके हो ये पता कर लेना जिसको नहीं पता है कि भैया घड़ी कहां रखी है क्योंकि लिटरेचर के बताऊं एग्जाम के सबसे बड़ा पंगा यह होता है कि समय लगता है कि कम पड़ गया ये नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रूफ रीडिंग के लिए अनिवार्य है प्लीज मेक श्योर कि अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखो अब तुम्हें तो पता है कैसे तो यू विल नॉट कि मुझे पता नहीं था मैं स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करूं बिकॉज यू नो वेन यू फील स्ट्रेस एक एक तो लेके जाओ अपने साथ ठीक है एंड दूसरी चीज टाइम मैनेज करो पानी पीते रहो अभी कुछ मत पढ़ो कॉमिक्स कौ, जाके बैठ के पढ़ो मैं जब आपके जब बारहवीं दे रहा था जब आपकी उम्र का था दो की बात है तब मैं आखिरी में आखिरी के दो तीन घंटे मैं बढ़िया बैठ के टिंकल कॉमिक्स पढ़ा करता था उसमें ग्रामर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होते थे इंग्लिश में होता था मम्मी मेरे को डांटती थी, थी मैं बोलता था मम्मी कल इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश पढ़ रहा हूँ पढ़ता तो मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था जैसे कि आपका भी कोर्स कंप्लीट हुआ है ना यू नीड टू गिव योर माइंड सम रेस्ट ट्रस्ट मी अभी और पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है क्या ही पढ़ लोगे अब फॉर्मैट्स याद रख सकते हो लिटरेचर को एक बार रिवाइज करना है करना हमारे ही वाले जो वीडियोज हैं पुराने उसको लगा के सो जाना तो सो जाना बट और ज्यादा पढ़ाई करके ओवरलोड मत करना है ठीक है ऐसे करने से नींद आती है जब तू एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा तो नींद नहीं आएगी और बैठ के करना है बाद में हाँ इसको बैठ के करना है लेट के मत करना तो नींद आ जाएगी सही बात है थैंक यू सो मच थैंक यू करुणा फॉर थिंकिंग दैट द क्लास वाज अमेजिंग सर वर्ड वेडिंग बैंड सजेस्ट कॉमन शैकल्स ऑफ ब्यूटिफुल टेरर ब्यूटीफुल ये कॉमन शैकल्स बॉल एंड चेन रिलेशनशिप या फिर हथकड़िया हैंड कफ्स कांड थैंक नो आर वेरी काइंड टू से वेरी बेस्ट बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट हम जल्दी मिलेंगे भी करेंगे, पेपर का अभी क्या करने का चिल मारने का और सो जाने का मैं वेट करूंगा आप लोगों का कमेंट सेक्शन में कि जब आपको समय मिले जब मौका मिले एग्जाम कैसा गया प्लीज मुझे बताइएगा आई एल बी वेटिंग थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट अच्छा ही होगा जो होगा यार बाय बाय